जब हर दिशा नजर आए अंधकार, जब आशाएं हो जाएं तार तार, जब जिंदगी ढूंढ रही हो आधार, तब चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार। ब्रह्मा कुमारीज आर्ट एंड कल्चरल विंग लाए हैं 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार। ओम शांति, विशिंग यू ऑल ए डिवाइन इवनिंग, एक्सेप्ट ग्रीटिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हार्मनी। ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस के 2रे सत्र में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, शुभ स्वागत है। चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्ट, चुनौतियों को सुअवसर में बदलने वाले कलाकार, इस विषय पर आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे एमिनेंट स्पीकर्स का तथा आज के हमारे एक्सेलेंट व्यूअर्स का दिल से स्वागत है, स्वागत है। आइए सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगी बीके करुणा भाई जी। अपने प्रेरणादायक वक्तव्य से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे समक्ष हैं भाई साहब। आप अवेकनिंग टीवी, पीस म्यूजिक टीवी और रेडियो मधुबन 90.4 FM के चैनल हेड हैं। ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स के आप मीडिया स्पोक्सपर्सन और चीफ ऑफ मल्टीमीडिया हैं तथा आप ब्रह्मा कुमारीज मैनेजमेंट के बोर्ड मेंबर हैं। मीडिया जगत और कलाकारों के जीवन में आध्यात्म का ज्योत जलाने वाले प्रेरणादायी वचनों से प्रकाश को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। आइए खुद को भरपूर करते हैं करुणा भाई जी के नई प्रेरणाओं से। ओम शांति। आर्ट एंड कल्चर विंग के सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक शुभाशय। जो भी भाई बहने ई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे अत्यंत हर्ष है आज के इस पैंडेमिक पीरियड पे आप ऐसा कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं, तो मैं आशा रखता हूं जो लोगों में इस समय पर जो भय है या किसी भी प्रकार से अपने लोगों को खोए हुए दुख है या जो आने वाले लहर के बारे में भी सोचते हुए अपना मानसिक संतुलन को गड़बड़ाते हुए देख रहे हैं या अपनी जो जीवन के लिए जो कार्य कर रहे थे परंतु उससे भी समस्याएं इस समय पर सभी महसूस कर रहे हैं, तो अर्थात किसी न किसी प्रकार से मानसिक संतुलन ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे समय पर आप ऐसा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मुझे हर्ष है कि आपने ये प्रयास किया है और जो भी स्पीकर्स आएंगे तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए हरेक के मन के उल्लास उमंग को आगे बढ़ाएंगे और परमात्मा से बुद्धि योग लगे रहे, शक्तियां प्राप्त करे और वो फिर से अपने जीवन को खुशी खुशी से निभाएंगे, ऐसा आशा करता हूं। और आप सभी को फिर से मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं और आपका कॉन्फ्रेंस शुभ सक्सेस के लिए भी मैं बिल्कुल वंदना करता हूं। ओम शांति। मेनी स्पेशल थैंक्स टू रेस्पेक्टेड बीके करुणा भाई जी फॉर योर एनलाइटेंड स्पीच। नाउ वी आर ऑनर्ड दैट मिस्टर मोहित मनोचा जी, फाउंडर ऑफ
Himanshu Art Institute is joining us. Following him are young music melodious youngster Mr. Nikhil Mahamuni ji and a stage performer Koyal Tripathi ji. Brother Mohit Manocha has been an art devotee since childhood. You have received training under many renowned artists, reputable institutes and art studios. Mohit ji also runs an NGO for poor children, Navashri Art and Culture Organization. Brother Nikhil Mahamuni performs as a versatile Indian music director, composer and singer. Nikhil ji mostly composes musical melodies for Marathi and Hindi movies, theater and television. Our sweet sister Koyal is a well-known, versatile and an established artist. She has performed in over 500 concerts through her career. Let's listen their sharing and enjoy singing. Anubhav जीवन के संगीत से उपजता है. आइए उनके अनुभवों को सुनते हैं मधुर संगीत के साथ, मधुर गीत के साथ मधुर अनुभूतियां करने का आनंद लें. ओम शांति. मेरा लौकिक नाम मोहित मनोचा है. ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े मुझे 7 साल हो गए हैं. बचपन से ही मेरे मन में कई तरह के विचार चलते रहते थे, जैसे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, दुनिया में इतना भेदभाव क्यों है, भगवान कौन है, कहां है वो, हमें दिखता क्यों नहीं. इतने सारे जो देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते आ रहे हैं, वो सब कौन है, वो अब कहां है, इत्यादि ऐसे बहुत से सवाल मेरे मन में चलते रहते. बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण मैं कई धार्मिक स्थलों पर भी जाता रहा हूँ. मैंने कई गुरु भी किए, किंतु इन सब से ना तो मुझे परमात्मा का सही परिचय मिला और ना ही जीवन में कुछ प्राप्ति हुई, बल्कि भय, चिंता और मानसिक परेशानियां मेरी बढ़ती चली गईं. मैंने पाया कि देवी देवताओं की पूजा हम सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति या उनके श्राप के डर से करते आए हैं. उनके साथ हमारा किसी भी तरह का कोई इंटरनल कनेक्शन है ही नहीं. मैंने जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 7 दिन का राजयोग का कोर्स किया, तो उसके बाद मेरे जीवन में धीरे धीरे कई बदलाव आते चले गए. यहाँ आकर सबसे पहले मुझे मेरा परिचय मिला कि मैं कौन हूँ, फिर मुझे परमात्मा का सही परिचय मिला और उसके साथ मेरा क्या संबंध है ये भी मैंने जाना. जीवन को जीने की सही कला क्या है यह भी मुझे यहाँ आकर ही पता चला. परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने के बाद और उनकी धारणाओं पर चलकर आज मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा हूँ. मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि आप भी परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ें और अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाएं. देखा जाए तो इस महामारी के दौर में परमात्मा का यह हम सबको एक इशारा ही है. ओम शांति. ऐसा कोई काम ओ मत करो ना, ऐसा कोई काम बाद में पछताना हो. ओ मत करो ना, ऐसा कोई काम बाद में पछताना हो. धर्म की राह पे चलना प्यारे, धर्म की राह पे चलना प्यारे, अधर्म का साथ ना दो, पछताना हो बाद में पछताना हो. ओ
मत करो ना ऐसा कोई काम बाद में पछताना हो। तुम बुरा किसी का ना सोचो, तुम बुरा किसी का ना सोचो, ना बुरा तुम्हारा होगा, तुम बुरा किसी का ना सोचो, ना बुरा तुम्हारा होगा, तुम राह सही बतलाओ, तुम राह सही बतलाओ, मंगलमय जीवन हो, पछताना हो बाद में पछताना हो। ओ मत करो ना ऐसा कोई काम बाद में पछताना हो। तुम बनो सहारा निर्धन के, तुम बनो सहारा निर्धन के, जिसको धन का भास मिले, तुम बनो सहारा निर्धन के, जिसको धन का भास मिले, कुछ ऐसा करना जीवन में, कुछ ऐसा करना जीवन में, हर किसी के मुख पे नाम तुम्हारा हो, पछताना हो बाद में पछताना हो। ओ मत करो ना ऐसा कोई काम बाद में पछताना हो। धर्म की राह पे चलना प्यारे, धर्म की राह पे चलना प्यारे, अधर्म का साथ ना दो, पछताना हो बाद में पछताना हो। ओ मत करो ना ऐसा कोई काम बाद में पछताना हो। ओम शांति। मैं कोयल त्रिपाठी, सिंगर कंपोजर एंड लिरिसिस्ट फ्रॉम मुंबई, और मैं फाउंडर हूँ यहाँ के मुंबई के आर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कोयलिया क्रिएशंस, जो आर्ट को प्रमोट करते हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहूँगी बी के शिवानी जी और उनके चैनल एवेकनिंग को, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर विंग ब्रह्म कुमारीज माउंट अबू, आप सबको पूरे टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझे आज यहाँ पे इनविटेशन देने के लिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि ब्रह्म कुमारीज के साथ मुझे एक बहुत ही
प्यारा रिश्ता बन चुका है। 2019 में जब ग्लोबल समिट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मुझे माउंट अबू से इनविटेशन मिला परफॉर्मेंस देने के लिए, मैं वहाँ पे आई और 2-3 दिन में रही और मुझे वहाँ से इतना प्यार जो मिला और जो एक खास अनुभूति है, बाबा का प्यार है, बाबा का घर है, एक अनुभूति लेकर मैं मुंबई वापस आई। बाद में फिर जाने की बात थी लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि हम सब जानते हैं कोविड की जो एक बहुत बड़ा एक शंका हम सब में, शंका मैं नहीं कहूंगी, पैंडेमिक जो पूरे दुनिया में फैल गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें से एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मुझे ड्यूरिंग कोविड ये फील हुआ कि हम शुरू से जानते हैं, हम सब कहते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन मुझे इस दुख में भी इस बात की याद आई जब मैंने ये महसूस किया कि पूरी दुनिया का दुख दर्द आज एक ही है। यानी कि दुख दर्द जब एक है तो हमारे जो प्रेयर हैं पूरे दुनिया के सुधार के लिए वो भी तो एक है। और मैंने सुना है प्रेयर में बहुत शक्ति होती है और मैं मानती हूं ये। तो हम सब दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी हो, हम सबका ये एक ही परमात्मा से प्रार्थना है कि ये कोविड के जो बहुत ही एक आशंका सब में, एक डर सा सबके मन में फैल चुका है, वो बहुत जल्दी चला जाए। लेकिन साथ ही साथ कोविड के साथ भी हमें एक पॉजिटिविटी भी रखना बहुत जरूरी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं मानती हूँ कि कोविड का एक बहुत ही बुरा असर पूरे आर्टिस्ट फ्रैटर्निटी के ऊपर आया है, क्योंकि कॉन्सर्ट के थ्रू जिनका घर चलता है वो कॉन्सर्ट टोटली बंद हो चुका है और हमें ये पता नहीं है कि वो कॉन्सर्ट कब फिर से शुरू होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट की बात सबसे बाद में आती है। और इसी सोच के साथ आर्टिस्टों की और बाकी लोगों के भी मानसिक संतुलन सही रखना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा मेरी तरफ से जितना हो सके वो मैं करूं। इसमें शुरू शुरू में तो कुछ आर्टिस्टों की मदद ये सब करती रही, लेकिन बाद में मैंने सोचा मैं एक ऐसा मंच क्रिएट करूं जिसमें वही आर्टिस्ट ऑनलाइन आके जुड़े। जी हाँ, मैं कहूंगी इस कोविड ने मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें भी दिया है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने पहले जाती थी परफॉर्म करके आ जाती थी, लेकिन अभी मैं लैपटॉप में एडिटिंग कर सकती हूँ, मैं डिजाइनिंग कर सकती हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें सीखा है। मैंने ऑनलाइन जो मेरा शो है हमिंग विद कोयल, जो कि काफी पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, अपनी बातें कहते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं। और मैं ये भी खुशकिस्मत हूँ कि माउंट आबू से भी हमारी बहनें इस शो में आई है और हमें आशीर्वाद दिया है, हमें मोटिवेट किया है, हमारे ऑडियंस को मोटिवेट किया है। तो ये मेरी कोशिश है कि इस हमिंग विद कोयल जो अभी भी ये शो चल रहा है, ऑडियंस को भी उस वक्त जो म्यूजिक सुनते हैं या कुछ अच्छी बातें शेयरिंग होती है उनका भी मन बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुंदर एक पॉजिटिविटी फैल जाती है म्यूजिक के थ्रू। तो ये मेरी कोशिश जारी है। साथ ही साथ मैंने कहा माउंट आबू के साथ मेरी एक रिश्ता बन चुका है ब्रह्म कुमारी के साथ, तो इस कोविड में मैंने मधुवन रेडियो के साथ भी मिलकर काफी कंपटीशन के जजमेंट करती रही, कुछ और म्यूजिकल काम मैं करती रही और कई इंटरव्यूज भी मधुबन रेडियो के साथ हुआ, लाइव हुआ, ये सारी चीजें होता गया। तो मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि कोविड के कुछ नेगेटिव साइड जरूर है, हम सब जानते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ हमें एक
बहुत सारी पॉजिटिव बातें सीखने की भी जगह बनती है, तो उस पॉजिटिव साइड को हम देखें। मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं खुद कोविड भी मुझे हो चुका था और सीवियर भी हुआ था, लेकिन उस कोविड को भी क्रॉस करके मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और विद इन 2 मंथ्स मैंने फिर से मेरा शो शुरू कर दिया। पहले से मैं और ज्यादा बिजी हो गई, तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी, खास आर्टिस्टों को मैं और ज्यादा कहना चाहूंगी, हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबको कहना चाहूंगी कि आप सब जो सोच है, हमारा जो मानसिक संतुलन है, हमारी जो सोच है, वो सोच अगर पॉजिटिव हो, वो सोच, क्योंकि हर सोच का एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होती है, तो हम नेगेटिव को थोड़ा नजरअंदाज करके, ओवरलुक करके अगर पॉजिटिव को ज्यादा देखें तो हमें राह मिलता है, हमें दिखता है। जैसे शुरू में आप देखिए, जब कोविड आया था हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे 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 एक रास्ता बनता गया, कुछ ना कुछ बनता गया। इसी तरह जिस तरह से ये टाइम आया है, ये समय चला जाएगा और हमें एक बहुत सुंदर नई सुबह हम फिर से देखेंगे। आज भी देख रहे हैं, आज भी हम नई सुबह देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर अभी भी लोगों के मन में है। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, डर को छोड़ के आप म्यूजिक कीजिए, संगीत सुनिए, संगीत सीखिए और गाइए अपने मन से। देखिए मन बहुत सुंदर हो जाएगा, आपकी चारों तरफ आपको सुंदरता ही नजर आएगी। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद सुंदर अनुभव के लिए और मधुर गीत के लिए। आइए अब हम सब के लिए अपने आशीर्वचन लेकर के आ रहे हैं महान व्यक्तित्व के धनी राजयोगी डॉक्टर बी के मृत्युंजय भाई जी। ब्रह्मा कुमारीज में आप 5 दशकों से पूर्ण समर्पण भाव से अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं और राज्योगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग मेंबर हैं। आदरणीय राजयोगी बी के मृत्युंजय भाई जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन के द्वारा हमें लाभान्वित करें। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एवं राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में कला और संस्कृति प्रभाग के द्वारा 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस 14 और 15 अगस्त आयोजन किया है। मुझे मिला हुआ समाचार के अनुसार हम इस कलाकारों को प्रेरित करना, कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, कलाकारों द्वारा निर्मित विविध कलाएं, चाहे नृत्य कला, संगीत कला, साहित्य कला, नाटक कला आदि अनेक कलाकारों को, पहले तो माउंट आबू में बुलाते थे परंतु इस समय कोविड महामारी समय पर एक बहुत बड़े चैलेंजेस समाज के प्रति है, देश में, विदेश में, सारी धरती पर, सारी दुनिया में ये चैलेंजेस हम सभी फेस करें। ऐसे समय पर कलाकार लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है और उनका उत्तरदायित्व भी है। हम इस समाज को दुख की घड़ी को सुख में कैसे परिवर्तन करें और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर उसको एक एक्सेलेंसी में परिवर्तन कैसे करें, और हर व्यक्ति के जीवन में निराशा के समय पर आशा, होप क्रिएट करना और अनेक लोगों को अपनी कार्य की पर्याप्त, उनको आर्थिक मदद नहीं मिलता है, ऐसे समय पर कैसे जीवन जीने की कला सिखाए और साथ साथ में अनेक कुरीतियों से मुक्त होकर के लोगों को जीवन एक श्रेष्ठ,
एक बेहतर, एक दिव्य, एक पवित्र और शांतिमय जीवन जीने की कला सिखाना ये सभी कलाकारों का एक विशेष कर्तव्य बनता है। हम उन सभी कलाकारों को उचित गौरव दे करके, सम्मान दे करके, सहयोग दे करके उनको भी आगे बढ़ाने के लिए मददगार बनना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारा आर्टिस्ट एंड कल्चरल विंग के सभी सदस्यों को अपने दिल की गहराई से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इस समय में ऐसे सम्मेलन आयोजन करना एक चैलेंज है और करने के लिए अलग अलग कलाकारों को समीप बुलाना ये भी एक चैलेंज है और कलाकारों में उमंग उत्साह बरकरार के रखना ये भी चैलेंज है और ये सामाजिक वैश्विक चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम सब स्वीकार करके इसको एक्सेलेंसी के रूप में परिवर्तन करने का हम विधि ढूंढे और इस विधि में सफलता प्राप्त करें, हिम्मत बढ़ाए, सहयोग के हाथ बढ़ाए और स्नेह और प्रेम को बरकरार के रखे और लोगों में उमंग उत्साह बरकरार के रखे, क्योंकि ये वैश्विक बीमारी है और विश्व में छोटे बड़े बूढ़े जवान शिक्षित अशिक्षित और हर प्रकार के भाई बहनों को ये बीमारी एक चैलेंजेस दिया। साथ साथ में थोड़े समय के अंतराल में हम देख रहे हैं और प्रकृति भी अलग अलग स्थानों पर विकृतियां बनाकर विध्वंसक रूप धारण करके विनाश का एक ज्वाला फट रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे बारिश हो, चाहे भूकंप हो, चाहे सीजन में परिवर्तन हुए हैं और इसके लिए भी हमको एक विधि से, एक तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तन करके सेवा भाव को रूप में सेवा करने का विधि बना करके उन सबको सेवा करना है। साथ साथ में इनके लिए भी प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजन करना और सहयोग भी देना और स्नेह तो यही है। इसके लिए ये कलाकारों को उमंग और उत्साह में सदा बरकरार के रखने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सीश्वरी विश्व अपने विविध सेवा केंद्रों के माध्यम द्वारा और अनेक चैनलों के माध्यम द्वारा, चाहे पीस ऑफ माइंड हो, चाहे अवेकनिंग हो, चाहे अन्य सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा इन लोगों में उमंग उत्साह बरकरार के रखने के लिए हम कार्यक्रम आयोजन करते हैं। और इस कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी है देश की विविध कलाकार इसमें जुड़ते हैं और अपने कला के माध्यम द्वारा लोगों को प्रेरणा देते हैं और इस प्रेरणा मनुष्य जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और संपत्तिमान बनने के लिए और समाज में सद्भावना बरकरार के रखने के लिए, भ्रातृभाव, आत्मिक भाव, स्नेह भाव, सहयोग भाव, सद्भाव, ऐसी हमारा भावना को एक ऊंची स्थिति पर ले जाने के लिए ये सदा प्रेरणादायक है। और इसके साथ साथ हमको अच्छे इतिहास को दर्शा करके, इतिहास की महापुरुषों का जीवन के बारे में, इतिहास जो समाज के लिए दिया है, बड़े बड़े लोग होकर के गया, उन सबको याद करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनके सहयोग को और उनका कंट्रीब्यूशन को याद करके भी हम लोग अपने जीवन को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं। इसमें चाहे संगीत कला हो, नाट्य कला हो, नृत्य कला हो, शिल्प कला हो, शिल्प कला हमारा देश में कितने, हमारा माउंट आबू में देखिए 1000 ईयर बैक जिन्होंने अद्भुत एक दिलवाड़ा नाम का टेंपल बनाया, लगभग 1000 साल पुराना है परंतु आज भी उसमें जीवंत है, आज भी लोगों को आकर्षित करता है, आज भी उनको प्रेरित करता है, आज भी उसको मूर्तियों को देख करके अपने तन मन सभी एक दिव्यता की तरफ प्रेरणा देते हैं। इसके लिए शिल्पकला अपने आप में एक भरपूर है, अपने आप एक बहुत महान है। इसके लिए ऐसी कलाकारों को वर्तमान समय में भी देखते हैं, उनको सही आर्थिक सहयोग मिलने से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम को, सिद्धांतों को, इतिहास को उन्होंने पुनर्जीवित बना के रखते। ऐसे ही हमारा देश में अच्छे अच्छे कलाकार होके गए हैं, चाहे उनको संगीत में, चाहे साहित्य में, सिनेमा में, नाटक में,
नृत्य में हमारा देश में इतिहास में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग इस देश का और विदेशों में भी जा करके भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने सेवा किया। ऐसे कलाकारों को जीवन में एक जीवन में जो इन्होंने अचीवमेंट किया है उस अचीवमेंट को देख करके और साथ साथ जिन्होंने हमारा पीछे एक इनहेरिटेंस के रूप में एक एग्जाम्पल के रूप में एक आदर्श के रूप में एक कला दर्शा करके गए हैं और उन सबको भी अभिनंदन करते हुए हमारे बच्चों को हमारा इस समय की भाई बहनों को प्रेरणा देने का अलग अलग कार्यक्रम रख करके उनको भी जीवित कर सकते हैं और साथ साथ में ये केवल जीवन जीने की कला नहीं है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन को महान बनाने के, जीवन को एक आदर्श बनाने के लिए, इस जीवन में निरोगी बन करके लोगों का बीमारी के समय में भी उनको सहयोग देने के इस प्रकार का भी सेवा करते रहते तो ऑटोमेटिकली हमारा देश में और विश्व के कोने कोने में लोग आपके प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ चिंतक के रूप में देखते हैं और उनका भी हम लोग आशीर्वाद के रूप में उनका सहयोग के रूप में शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए उनको अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मुझे बहुत समय से मालूम है हमारा कला और संस्कृति प्रभाग की भाई बहने बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है, इन्होंने लगभग हजारों कविता लिख करके इन कविता के माध्यम द्वारा व संगीत के माध्यम द्वारा एक केवल इंस्टीट्यूशन में नहीं देश के कोने कोने में जा करके लोगों में प्रेरित किया है, उनको उत्साह भरा है, उनके अंदर जीवन में एक नव चेतन को जागृत किया है। और ऐसे भाई बहने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विविध स्थानों पर जुड़े हुए हैं, समय समय प्रति माउंट आबू में मुख्यालय में आकर के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं और आज भी उसको हमारा चैनल विशेष करके अवेकनिंग चैनल में इसको बारंबार दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ऐसा लगता है इन्होंने अपने सम्मुख में अभी वो कलाकार प्रस्तुत कर रहा है, हम देख करके खुशी हो जाते हैं, खुशी प्राप्त होता है। इसके लिए मैं कलाकारों को मैं समझता हूँ समाज में सदैव जीवित रहते, कुछ लोग हैं उस समय में जीवित रहता है बाद में उसको भूल जाते हैं, परंतु कलाकारों को सदैव जीवित रहता है, इतिहास में जीवित है, वर्तमान में जीवित है, भविष्य में भी जीवित है, क्योंकि वो कला ऐसी चीज़ है, उस कला बार बार व अनेक बार रिपीट करते हैं और वो देखते हैं उसके अंदर उत्साह भरते हैं। इसके लिए उनको केवल जनन मरण की बीच के अंतराल में जो भी कंट्रीब्यूशन इस समाज के प्रति दिया है कला के माध्यम द्वारा, उस कला एक निर्जीव को भी जीवित कर देता है। ऐसे जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाले कलाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, ओम शांति करता हूँ और साथ साथ में उन सब को माउंट आबू आकर के इधर जो परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है, उनका अवतरण भूमि है, उनका कर्म भूमि है, उनका शिक्षा भूमि है, उनको जीवित करके हमारा दादियाँ बहुत सहयोग दे करके इनका भव्य एक स्पिरिचुअल कैपिटल कहो, स्पिरिचुअल किंगडम कहो, स्पिरिचुअल फ्रैग्रेंस कहो और एक स्पिरिचुअल वातावरण में लोगों को स्पिरिट को आत्मा को जागृत करने का, आत्मा को चैतन्य बनाने का, आत्मा को उमंग उत्साह के रूप देने का, आत्माओं को फरिश्ता बनाने का, आत्माओं को देवता बनाने का जो कार्य चल रहा है, इस कार्य में इधर आते हुए उनके अंदर अद्भुत अनुभव होता है, उस अनुभव उनका जीवन में सदा शाश्वत एक ब्लेसिंग के रूप में, गाइडेंस के रूप में, एक मेमोरी के रूप में उनके जीवन में प्रेरित होता है। ऐसी प्रेरणा देने के स्थान में आप सबको मैं इस संस्था की एक आप सबका भाई के नाते से और इस संस्था का अधिकारी के रूप से मैं आमंत्रित करता हूँ, आह्वानित करता हूँ। आप आकर के देखो, सीइंग इज बिलीविंग कहा जाता है, जो अंकों में देखते हैं उसका मन में जाता है, दिमाग में जाता है, दिल में जाता है और कर्तव्य में जाता है और उसमें स्नेह में हमारा समृद्धि होता है। इसके लिए ऐसे
लोगों को मैं आह्वानित करते हुए मैं इस विंग में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को ए टू जेड, उन सब का नाम लेने से बहुत लंबा हो सकता है परंतु उन सबको नाम सहित मेरा दिल की बधाई और प्रणाम, नमस्ते, ओम शांति शांति शांति। शत शत धन्यवाद राजयोगी बी के मृत्युंजय भाई जी का। आपके अमूल्य, प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक वाणी और भावनाओं के लिए आगे इस कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे महान अतिथि माधवी नरुला जी, पंडित अजय प्रसन्ना जी। सिस्टर माधवी नरुला इज ए स्टाइलिस्ट, मॉडल, एक्टर, स्टोरी टेलर, डांसर एंड कोरियोग्राफर। शी हैज लर्न्ड बॉलीवुड स्टाइल डायरेक्टली फ्रॉम लेजेंडरी लेट सरोज खान जी एंड इज नाउ लर्निंग कथक फ्रॉम वर्ल्ड रिनाउंड गुरु मिस मंगला भट्ट जी। आवर नेक्स्ट गेस्ट ब्रदर पंडित अजय प्रसन्ना जी मशहूर बांसुरी वादक है। आपकी एल्बम ग्रैमी अवार्ड के लिए 3 बार नॉमिनेट हुई हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं और आपने विश्व भर में प्रस्तुति दी है। पंडित अजय जी अपनी मधुर प्रस्तुति हमारे समक्ष रखेंगे। नाउ रिक्वेस्टिंग माधवी जी, पंडित अजय जी टू एक्सप्रेस देयर ग्रेट थॉट्स एंड बेस्ट विशेस फॉर द आर्टिस्ट। ऑल्सो वी विल एंजॉय द फ्लूट प्लेइंग। नमस्ते, ओम शांति। आई एम माधवी नरुला, अ डांसर, अ कोरियोग्राफर एंड अ सेलिब्रिटी एंकर, ऑल्सो अ कथक डांसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटफुल थैंक्स टू श्री पी के दयाल भाई जी, अ सीनियर कोऑर्डिनेटर एट द आर्ट एंड कल्चर विंग माउंट आबू ब्रह्म कुमारीज, एंड ऑल्सो टू द एक्टर मिस्टर शैलेंद्र जी for introducing me and also giving me this opportunity to speak on a very special topic, that is the artist, a savior of our culture, rather a need for our generations to hear about. Well, an artist reflects the creative part of our inner soul. An artist is somebody who is a creative thinker and who represents the inspirational part of our society or a community on the whole. An artist needs to be honest first to him or herself. जब तक एक आर्टिस्ट अपने आप के साथ एक रिश्ता नहीं बनाता सच्चाई का, तब तक वो उस राह पर दूसरों को चलने के लिए नहीं बोल सकेगा. चाहे लेट इट बी एनी आर्टिस्ट फॉर दैट सेक, इफ वी कॉल इट एज लाइक अ डांसर, अ सिंगर, अ राइटर, अ पोएट्री राइटर, अ पेंटर और अ क्ले आर्टिस्ट, लेट इट बी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट और एनी फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, अ फिल्म मेकर, दे कैरी द ICH, व्हाट आई कॉल इट एज, दैट्स कॉल्ड द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज onto their shoulders. And this is a heritage in form of skills and knowledge in order to represent our generation Z. So always knowledge should be transferable to another, and skill is always inherited and it can be represented, and an artist is supposed to protect those horizons. For that sake, the cultural expressions that reflects our human body is made up of 3 things: the body, the mind, and the emotions. We can go through gym, the physical aspect, but what about mind? We have to make it calm, and we have to de-stress as an artist also. So there are many ways. Do Raj Yoga,
अष्टांगा योगा, मेडिटेशन, बिलीव इन द सुप्रीम पावर. मेडिटेशन इज सच अ थिंग दैट यू कैन ऑलवेज गेट अप एज सून एज यू गेट अप इन द मॉर्निंग. जस्ट स्टे काम, क्लोज योर आईज, 5 मिनट्स इज इनफ. डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट थिंक अबाउट व्हाटएवर यू फील गुड. और वन सुप्रीम पावर दैट लाइज इन एवरीबडी, यू, मी और एनीबडी. वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फिजिकली, वी ऑल कैन इम्प्लीमेंट, बट मेंटली विच इज अ वेरी गुड थेरेपी नाउअडेज एवरीबडी इज अडॉप्टिंग इज नॉट योगा, विच इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ सिंगिंग. आई नो वी ऑल आर नॉट गुड सिंगर्स ऑल द टाइम, बट वी कैन मेक एन एफर्ट बिकॉज द वाइब्रेशंस फ्रॉम आर throat, which is called the voice of us, creates a connection in the cosmic energies out there in the universe and sends those messages or calming vibrations onto our brain through singing. It calms you and it makes you think in a progressive, innovative and a creative manner. Remember, cinema or movies is a mirror of our Generation Z. It is very important for them to always have a promotion in their knowledge, re-revisation in their knowledge, in order to meet the horizons and to carry our culture and value system in the form of movies or cinema, whatever we show on our televisions. Special thanks to Madhvi ji for your sweet thoughts, Pandit Ajay ji for playing the melodious flute. Now, let's listen and get mesmerized by an internationally renowned motivational speaker, Awakening with Brahma Kumari's TV fame and recipient of the Nari Shakti Award, Sister B.K. Shivani. Aap बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं. आपसे हम जब भी सुनते हैं हमें एक नई नज़र और नया नज़रिया मिलता है. जैसे अंधेरों में दीप जलता है, आपकी वाणी से हर हृदय में आशा का दीप जलता है. गिर गया जो वो फिर से संभलता है. तो आइए कुछ प्रेरणा के दीप जलाते हैं प्रख्यात वक्ता बीके शिवानी बहन के साथ. ओम शांति. वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम सब ने सोचा
कि इस समय चिंता, डर, उदासी, निराशा, ये होना तो स्वाभाविक है। हमें लगा ये नेचुरल है, क्योंकि हमारे आसपास और लोग भी यही कह रहे थे कि ये नेचुरल है, और हम भी इसको महसूस कर रहे थे। तो हमने उस नेचुरल को बहुत लंबे समय से पकड़ कर रखा हुआ है। परिस्थितियां ठीक हो रही हैं और बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएंगी, लेकिन परफेक्ट परिस्थिति तो हो जाएगी, स्थिति को परफेक्ट कौन बनाएगा? अपने मन की स्थिति को हम परफेक्ट कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि हमारी मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो जीवन में आने वाली कोई भी बात। परिस्थिति बाहर है, इसीलिए उसे परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति कभी मुश्किल होती है, कभी चैलेंजिंग होती है, लेकिन वो परिस्थिति होती है। स्वस्थिति, हमारी स्थिति, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, ये हमारी चॉइस होती है। और आज हमें इस चीज को पकड़ना है, क्योंकि परिस्थिति से स्थिति नहीं बनती, स्थिति से परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। The outer world does not create our inner world, but our inner world influences the outer world. ये इक्वेशन को अगर हमने पकड़ लिया तो जीवन जीने का तो तरीका ही बदल जाएगा, कि मेरे मन की स्थिति से परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या हम इस बात को मानते हैं? हमने इस बात का हमेशा अनुभव किया है, सिर्फ इसको थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। जब हमारे मन की स्थिति खुश होती है, एंथुजियाज्म में होती है, उमंग उत्साह में होती है, शांति की अनुभूति करती है, तो शरीर कितना रिलैक्स्ड फील करता है, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी शरीर को मिल रही होती है वो बहुत हैप्पी, प्योर, पीसफुल एनर्जी होती है। हमारे आसपास के लोग कितना हैप्पी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे अच्छी एनर्जी मिल रही होती है। इस अच्छी एनर्जी से जिस घर में हम रहते हैं वो घर का वातावरण, वायुमंडल ही बदल जाता है। अगर इस अच्छी एनर्जी से आप अपने बालकनी में जो पौधे पड़े हैं उन्हें रोज पानी दें, तो आपको कुछ दिनों के अंदर पौधों पर उसका असर दिखाई देगा। और इसी के विपरीत, अगर दुखी, निराशा, उदास रहेंगे तो शरीर पर उसका असर पड़ता है, दिखाई देता है, दर्द, एसिडिटी, सर भारी, बहुत कुछ अनुभव होने लगता है। उसी तरह हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी हमसे वो एनर्जी मिलती है, उनका भी व्यवहार बदलने लगता है। हम उदास हैं, थोड़े दिन में हमें वो भी थोड़े से निराश और उदास दिखाई देते हैं। और इस मन की स्थिति में अगर आप पौधों को पानी देंगे तो आपको धीरे धीरे थोड़े दिन में ये दिखाई देगा कि पौधों की एनर्जी चेंज हो गई है, पौधों की जो रौनक थी वो खत्म होने लग जाती है, क्योंकि हम उस स्थिति में पानी दे देते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे मन की स्थिति का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है, और प्रकृति पर भी पड़ता है, हमारे काम पर भी पड़ता है, पर्यावरण पर भी पड़ता है। सारी ये जो सृष्टि है ये हमारे संकल्पों से बनती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, संकल्प से सृष्टि, स्थिति से परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। अब ये इक्वेशन को पकड़कर अब इसके अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं। परिस्थितियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन बार बार उसका वैसा चिंतन करना, बार बार ये सोचना ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, ये ठीक कब होगा, ठीक होगा या ना होगा, बार बार उसी परिस्थिति के बारे में एक नेगेटिव एनर्जी से बोलना। अब एक क्षण इसके बारे में सोचना, क्योंकि आप कहेंगे जैसी परिस्थिति है वैसे ही तो उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे ना, नहीं तो क्या बोलेंगे, जो है वो ही तो बोलेंगे, ऐसे ही तो हम नहीं बोल सकते कि सब ठीक है। बोलना है, सोचना भी शुरू करना है। क्यों शुरू करना है? क्योंकि जैसा हम सोचते जाते हैं
वैसी हमारी स्थिति बनती जाती है, और जैसी हमारी स्थिति बनती जाती है उसका प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता जाता है। इस इक्वेशन को बहुत क्लियर रखना है, जैसे मेरे संकल्प वैसी मेरी स्थिति, जैसी मेरी स्थिति वैसा परिस्थिति पर प्रभाव। हम क्या चाहते हैं? परिस्थिति बदल जाए। अब इक्वेशन पे जाएंगे, संकल्प स्थिति परिस्थिति। हम क्या चाहते हैं? परिस्थिति बदल जाए, अच्छी हो जाए, वही रौनक आ जाए, वही काम मिल जाए। हम परिस्थिति को अच्छा बनाना चाहते हैं। इक्वेशन क्या है? संकल्प स्थिति परिस्थिति। तो परिस्थिति को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं और संकल्प नेगेटिव क्रिएट करेंगे तो परिस्थिति के अंदर प्योर और पावरफुल एनर्जी कैसे आएगी? कैसे आएगी? ये कैसे होगा? तो पहले संकल्प को सही करना पड़ता है। संकल्प सही होगा तो स्थिति ठीक हो जाएगी, स्थिति ठीक हो जाएगी तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी। आप सबको तो इसका व्यक्तिगत अनुभव है। आप सब जब अपनी अपनी कला को निखारते हैं, रियाज करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर उस क्षेत्र में आप सेवा करना शुरू करते हैं, तो शुरू शुरू में कुछ कठिनाइयां आती हैं। इमीडिएटली तो आपको लोग नहीं पहचानते हैं, आपको नहीं मानते हैं, आपकी कला का सम्मान शुरू शुरू में तो नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। आप में से कईयों को शुरू के समय पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत बहुत मुश्किल परिस्थितियों का आप सामना करते हैं सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले। लेकिन जब उन मुश्किल परिस्थितियों का आप सामना करते हैं, जो लोग ऐसे संकल्प करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे से तो ये नहीं होगा, बहुत कोशिश कर ली, मुझसे नहीं होता, मुझे वापस अपने दूसरे काम पर चले जाना चाहिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बहुत जल्दी अपने दूसरे काम पर चले जाते हैं। वो अपनी कला को दृढ़ता से पकड़कर, उसको निखार कर सेवा में आगे समाज के सामने नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो संकल्प में हार मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी विशेषता या कला आपसे कोई कम थी, लेकिन संकल्प की शक्ति कम थी। संकल्प ने हार मान ली, संकल्प हताश हो गया। जैसे ही संकल्प में कहा मुझे तो नहीं मिलता, ये नहीं होता, कैसे होगा, ऐसे तो परिस्थितियां भी और मुश्किल होती गई। लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा ये तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए सफलता मेरे लिए निश्चित है। परमात्मा ने मुझे ये विशेषता दी है, ये कला दी है, इसको तो मुझे सेवा में समाज के सामने लाना ही लाना है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा आप अपने आप से करते हैं, और जब ये दृढ़ प्रतिज्ञा आप अपने आप से करते हैं तो कोई भी परिस्थिति, आंधी आए या तूफान, आपको नहीं हिला सकते। अंगद के समान आपका संकल्प रूपी पांव भी हिला नहीं। अगर हिल जाता तो आज जहां आप हैं शायद आज आप वहां न होते। अगर आपका संकल्प रूपी पांव परिस्थिति आने की वजह से हिल जाता और जो आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था वो आप छोड़ देते, क्योंकि आप कमजोर संकल्प करते। संकल्प हमारे जीवन का बीज होता है, बीज होता है, बीज बहुत शक्तिशाली चाहिए। तो आप सबको तो अनुभव है, आप सबको तो बहुत अनुभव है कि मेहनत तो की, मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ चाहिए दृढ़ शक्तिशाली संकल्प, जो कितनी भी परिस्थिति मुश्किल हो संकल्प में स्थिति में हिलेंगे नहीं। जो पहले किया था वो इस बार फिर से कर लेते हैं, पहले कर चुके हैं, अनुभवी हैं, तो दोबारा करना तो बहुत सहज होना चाहिए। तो इस समय भी परिस्थिति वैसी नहीं है जैसे हम चाहते हैं, लेकिन स्थिति हम वैसी बनाएंगे जो हमें पता है कि उस स्थिति से सफलता निश्चित होनी ही है। तो संकल्प रूपी बीज की आज चेकिंग करते हैं, संकल्प रूपी बीज को शुद्ध बनाते हैं, सकारात्मक बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, तो परिस्थिति रूपी वृक्ष तो बदलना ही है।
बदलना ही है, तो संकल्प सही रहे और रोज उसको पानी अच्छा डालें, तो संकल्प शक्तिशाली। इस परिस्थिति में भी मेरे लिए कुछ कल्याण है, ये परिस्थिति मुझे कुछ बहुत अच्छी चीजें सिखाने आई है, इस परिस्थिति ने मुझे स्वयं को शक्तिशाली बनाना सिखा दिया है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। ये संकल्प हमें रोज करना है और संकल्प करते हुए एक दृश्य देखें। सिर्फ संकल्प से नहीं होता, संकल्प करते हुए एक दृश्य देखें कि आप अपनी कला के साथ उसी सेवा में दोबारा एक बार समाज के सामने आ गए हैं, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो संगीत है, चाहे वो नृत्य है, चाहे वो चित्रकला है, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो ड्रामा है, आप समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा हमेशा ही करते आए हैं, इस समय तो और भी जरूरी है, क्योंकि समाज की मनोस्थिति का तो आपको पता है क्या हालचाल है। तो उनकी मनोस्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, उनके मन को सुकून, खुशी और उमंग उत्साह से भरने के लिए हम जिस एनर्जी से उनकी सेवा करेंगे, सिर्फ जो हम बनाएंगे, जो हम इनेक्ट करेंगे, जो हम परफॉर्म करेंगे, जो हम पेंट करेंगे, सिर्फ वो नहीं होता है, जो हमारी स्थिति होती है उसकी वाइब्रेशन हमारी परफॉर्मेंस, हमारे एक्ट में आती ही है। जैसी हमारी स्थिति वैसी ही हमारी कला होती है, जैसा चित्र वैसा चरित्र होता है, अर्थात मन के ऊपर हमने संकल्पों का कैसा चित्र बनाया हुआ है, किस तरह के संकल्प हमने यहाँ इस कैनवस पे पेंट किए हैं, ये चेक करना है। किस तरह के सुर मेरे यहाँ चलते हैं, किस तरह के स्टेप्स मेरे मन यहाँ क्रिएट करता है, क्या वो नीट है, क्लीन है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है, यहाँ रियाज करना है। यहाँ रियाज करना बहुत जरूरी है। सामने वाला एक्टर अर्थात सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे, कुछ भी करे, सीन कितना भी मुश्किल हो, मैं एक्टर कितना परफेक्ट परफॉर्म किया है, ये तो आपको बाकी सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि आप तो यही करते हैं हर रोज, आपको तो ये आता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो आपकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट होती है, परफॉर्मेंस एक्यूरेट होती है, क्योंकि सीन का प्रभाव आप पर नहीं, आपके एक्ट का प्रभाव सीन पर पड़ता है। ये चाहे एक ड्रामा और मूवी की सीन में हो, चाहे ये जीवन की सीन में हो, एक्टर को फोकस खुद पर रखना होगा। तो मैं आत्मा इस विश्व रूपी ड्रामा में एक्टर हूं, इस ड्रामा की सीन कभी मेरे अनुकूल होगी कभी नहीं होती है, लेकिन मुझ आत्मरूपी एक्टर को अपनी सीन पर फोकस करना है, अपने स्क्रिप्ट पर फोकस करना है, अपने डायलॉग्स एक्यूरेट रखने हैं, हर स्टेप हर सुर हर पेंट जो इस कैनवस पर आएगा वो परफेक्ट होना चाहिए। जब वो परफेक्ट होगा तो परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। आप वो नहीं हैं जो परिस्थिति में उलझेंगे, आप वो हैं जो यहाँ पर स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर सिर्फ अपने जीवन की परिस्थितियों को नहीं बदलेंगे, समाज की स्थिति को बदलने की आप सेवा करते हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उससे आपकी वाइब्रेशंस भी सब तक पहुँचती हैं। तो अगर कोई दुखी है, अशांत है, लेकिन वो आपका गीत सुन ले, आपका बनाया हुआ चित्र उठाकर देख ले, आपका परफॉर्म किया हुआ सीन देख ले, उसमें सीन में हो सकता है कि वो सीन कभी थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है किसी ड्रामा में, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उस सीन के अंदर है और आपकी वाइब्रेशन सब लोगों तक पहुंचती है। ये हमेशा याद रखना है, हम जो करते हैं सिर्फ वो हम नहीं है, द डूइंग is not the I,
द बीइंग इज द आई, हम जो हैं वो ही हमारे करने में निकल कर आता है। तो हम जो हैं उस पर फोकस करते हैं, उस पर अटेंशन रखते हैं, स्व स्थिति से परिस्थिति बनने वाली है। तो हर रोज ये संकल्प करें, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। आज एक इक्वेशन फिक्स करिएगा कि अपने लिए, दूसरों के लिए और परिस्थिति के लिए, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए, दूसरों के बारे में और परिस्थिति के बारे में। हमारा हर शब्द शुद्ध होगा, प्योर होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो परमात्मा सिखाते हैं, जब इतनी ही आदत पड़ गई है ये बोलने की, ये ऐसे हैं, ये वैसा है, मैं ऐसा हूं, ये बात ही ऐसी है, जब इतनी आदत पड़ ही गई है, तो उस आदत को कायम रखो, सिर्फ एक चीज बदलो, उस आदत में शब्द को चेंज करो। ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें कमजोरी नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं, उसकी विशेषता को डालो। ये ऐसा है अर्थात उसकी विशेषता, ये ऐसे करते हैं अर्थात उसकी विशेषता। अपने लिए भी मैं ऐसा हूं कभी नहीं कहना नेगेटिव वर्ड के साथ, उसमें भी मैं ऐसी आत्मा हूं, अपनी विशेषता को चेक करना है। और परिस्थिति भी ऐसी है, इतनी मुश्किल है, इतनी डिफिकल्ट है, अगर हम, मैं ऐसा हूं, लोग ऐसे हैं और परिस्थिति ऐसी है, अगर इस तीनों में हम नेगेटिव शब्द डालेंगे तो हमारी स्थिति भी डाउन और परिस्थिति मुश्किल होने लग जाएगी। मैं ऐसा, विशेषता, वो ऐसे, उसमें विशेषता, और परिस्थिति विशेष। इस तीनों में विशेषता, शुद्ध संकल्प, शुभ भावनाएं, दुआएं डालेंगे तो खुद भी खुश और उमंग उत्साह में रहेंगे, औरों को भी खुशी और उमंग उत्साह में लाएंगे, और परिस्थिति को भी बहुत बहुत जल्दी अपनी स्थिति से परिवर्तित कर देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल कि हम किस तरह की थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, आई एम अ प्योर सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सदा खुश हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम पावरफुल। मैं सदा खुश हूं, मैं निडर हूं, निडर हूं, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। मुझे खुद पर और खुद के कर्मों पर और खुद के भाग्य पर संपूर्ण विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। तो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प करते जाएं। आई एम, मैं हूं, सिर्फ विशेषता, भले वो विशेषता अभी अपने में ना दिखाई दे, लेकिन वो विशेषता ही सोचनी है, विशेषता ही बोलनी है, और वो विशेषता इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह दूसरों के लिए आज ये बहुत प्रैक्टिस करनी है कि दूसरों के लिए वो ऐसे हैं, विशेषता ये नहीं, वो ऐसे हैं, कमजोरी नहीं, वो ऐसे हैं। जितना दूसरों की विशेषताओं का संकल्प करेंगे, बोल बोलेंगे, उतना ही हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते अच्छे बनते जाएंगे, हमारी स्थिति भी शुद्ध होती जाएगी, और हमारी पवित्र स्थिति के वाइब्रेशंस, हमारे वो प्योर थॉट्स जो हमने उनके लिए क्रिएट किए, वो उनको रेडिएट होते हैं और वो उन तक पहुंचकर उनकी स्थिति को भी बदल देते हैं। तो वो बहुत प्यारे हैं, वो बहुत विशेष हैं, वो हर काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो मुझे सदा सहयोग देते हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वो मेरे का बहुत सम्मान करते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस सिर्फ ऐसे ही संकल्प, इसके विपरीत तो अभी हम बोलेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं, सिर्फ ऐसे वाले संकल्प जो आप चाहते हैं कि सिद्ध हो जाएं, जो विशेषताएं उनके अंदर हैं उसका मनन करें, उच्चारण करें, और जो विशेषताएं आप उनके अंदर देखना चाहते हो वो भी कहो कि वो ऐसे हैं, अर्थात वो विशेषता उनके अंदर ऑलरेडी है, ये वरदान उनको देते जाओ। इसी तरह परिस्थिति के अंदर भी विशेषता,
जो वर्तमान समय परिस्थितियों में विशेषता है उसको देखो, और जो विशेषता देखना चाहते हो उसका मनन और बोलना करते जाओ। परिस्थिति परफेक्ट है, पता है इस समय नहीं लग रही होगी, लेकिन बनानी है ना, तो वो ही सोचना और बोलना है। परिस्थिति मेरे लिए परफेक्ट है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरी कला सिर्फ देश नहीं विश्व के कोने कोने में हरेक तक पहुंच चुकी है, हरेक तक पहुंच चुकी है। ये रोज सोचना है, रोज बोलना है कि मेरी कला जो परमात्मा का आशीर्वाद है, प्रभु का प्रसाद है मेरे पास, वो ईश्वरीय प्रसाद मुझसे निकलकर सारे विश्व में हरेक तक पहुंच चुका है, हरेक मेरी कला का सम्मान करता है, हरेक मुझसे प्यार करता है, हरेक मुझे दुआएं देता है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं भगवान का फरिश्ता सारी सृष्टि की सेवा करता हूँ। ये सिर्फ सोचना शुरू करना है, और वो जो पुरानी वाली सोच है और वो बोल, वो आज से फुल स्टॉप करते हैं, एक महीने के लिए इसको करके देखते हैं। सिर्फ ऐसे ही सोचना है और ऐसे ही बोलना है। सुबह उठते ही सबसे पहले ऐसे संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प, खुद के लिए, लोगों के लिए, परिस्थिति के लिए, अपने भाग्य के लिए। सुबह उठते ही पहले संकल्प और रात को सोने से पहले आखिरी संकल्प, बहुत जरूरी है ये दो समय करना। जब भी मन थोड़ा सा भी डाउन जाने लगे, तुरंत यही संकल्प फिर से रिपीट करने हैं, बोलने हैं, लिखने हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, सिर्फ मन में नहीं शब्दों से बोल कर उसको करें, अंदर रिकॉर्डिंग होती जा रही है। और जब भी खाना खाने लगे, परमात्मा को याद करके शुक्रिया बोलकर परमात्मा की याद में उन संकल्पों को फिर से दोहरा दे। वो संकल्प आपके अन्न की, आपके भोजन की, आपके खाने की ऊर्जा बन जाए, आपके पानी की वाइब्रेशन बन जाए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अपने खाने और पानी में भी वो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की ऊर्जा डाल दे, तो जैसा अन्न और मन, जैसा पानी और वाणी, वो स्वतः ही होता जाएगा। स्थिति पर, संकल्पों पर परिवर्तन लाए। परिस्थिति तो जो चाहते हैं उससे भी बहुत श्रेष्ठ, बहुत जल्दी बन जाएगी। इस समय का सदुपयोग करें, मेडिटेशन सीखें, परमात्मा के ज्ञान का अध्ययन करें। आप जहां रहते हैं, देश में, विदेश में, जहां भी रहते हैं, आपके नजदीक परमात्मा का राजयोग मेडिटेशन सेंटर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर होगा। सेंटर पर दीदियां और भाई सदा ही सेवा पर हैं। आपको जो दिन, जो समय आपको सूट करे, आपको बस सेंटर पर जाकर दीदियों के साथ अपना टाइम फिक्स करना है, और 5-6 दिन के लिए, आधे पौने घंटे के लिए सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखें। परमात्मा की शिक्षाएं हमारे एक एक थॉट को चेंज कर देती हैं, परमात्मा की शक्तियां हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बना देती है, परमात्मा का प्यार और पालना हमारे भाग्य को बदल देता है। इस भाग्य को लें, इस भाग्य को लें। परमात्मा स्वयं सिखा रहे हैं, स्वयं हमें प्यार और शक्तियों की पालना दे रहे हैं, भगवान खुद वरदान दे रहे हैं, हमें सिर्फ उसको अपने अंदर भरना है, और भरकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाकर देश और विश्व का भाग्य सुंदर और सुनहरा बनाना है। तो इस समय को निकालकर सेंटर पर जाकर ये मेडिटेशन सीखें, और भगवान कैसे हमें सोच बदलना सिखा रहा है, संस्कार परिवर्तन से भाग्य परिवर्तन बनाना सिखा रहा है, वो सीखकर उसको करना अपने जीवन में शुरू करें। आपने जितना सोचा नहीं था, जो आपको लगा नहीं था कि आपकी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आपकी कला निखर के सारे विश्व की सेवा करेगी,
क्योंकि उसमें परमात्म शक्तियां, परमात्मा का ज्ञान और प्यार की वाइब्रेशन, सिर्फ आपकी वाइब्रेशन नहीं, साथ में ईश्वरीय वाइब्रेशन जब आ जाए तो कला एक ऊपर के वाइब्रेशन तक पहुंच जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया। जैसे सांझ सूरज को ढलना सिखाती है, बगिया फूलों को महकना सिखाती है, हम सब की स्नेही बहन बीके शिवानी सबको पॉजिटिविटी सिखाती है। थैंक यू वेरी मच शिवानी बहन आपके इंस्पिरेशनल स्पीच के लिए। अब हमें बेहद खुशी है कि तबला वादक शिवानंद कल्याणी वैरागकर जी, दुबई से पांडुरंग गायकवाड़ जी और अंजना दश जी कलाकारों की इस ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं। शिवानंद जी की बचपन से ही संगीत में रुचि रही है। अपनी कला के द्वारा आपने अनेक गुरुओं की आशीर्वाद प्राप्त की है। शिवानंद जी से अनुरोध है अपना अनुभव युक्त वक्तव्य पेश करें। और हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं पांडुरंग गायकवाड़ जी। आप केंद्रीय मानव अधिकार संगठन न्यू दिल्ली में उपाध्यक्ष हैं। एंड नेक्स्ट स्पीकर इज अंजना दश जी, हु इज एन इंडियन एक्ट्रेस बेस्ड इन भुवनेश्वर ओडिशा। शी इज नोन फॉर हर वर्क इन दी ओडिया फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री सिंस 25 ईयर्स। बिसाइड्स एक्टिंग, अंजना जी इज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। शी हैज ऑल्सो वन मेनी अवार्ड्स एज बेस्ट एक्टर इन डिफरेंट फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स। आई नाउ रिक्वेस्ट ऑल अवर थ्री ऑनर्ड गेस्ट टू शेयर देयर divine and empowering experiences. कुमारी विश्वविद्यालय से मेरा पुराना रिश्ता है। गए 5-6 सालों से हम जुड़े हुए हैं। एक सूत्र में बांधने का कार्य सभी संस्थाएं करती है, उसमें हमारे संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं कि सर्वपिता एक ही हैं। जैसे कि हम लोगों को अगर ये जीवदान मिल सकता है, आगे सब कुछ करने का मौका मिल सकता है, तो ये भरोसा जरूर है। एक बार मुझे याद है पुणे शहर में स्थित जगदम्बा भुवन में मुझे तबला वादन की प्रस्तुति करने का मौका मिला था, अवसर मिला था, और वह आनंद मुझे आज भी याद है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए कलाकार के रूप में अगर हम देखते हैं तो ये जीवन ही बहुत कठिन है। ये दो पैरों पे चलने वाली जीवनी है, कहीं मौका है तो कहीं मौका गंवाना पड़ता है। आपने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से लिया है कि चुनौतियां और उसका चुनौतियों का किया गया अवसर में रूपांतरण या समाधान प्राप्ति की ओर जाना। तो कलाकार के जीवन में तो हर वक्त चुनौतियां ही होती है, ऐसा कोई क्षण नहीं कि जहां चुनौती नहीं है। कलाकार के भाग्य में उनके गुरु का स्थान आना या एक अच्छा गुरु का मार्गदर्शन मिलना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। निडरता के साथ
संयम के साथ अपने भाग्य का आधार लेते हुए अगर हम एक जगह संयमित होते हैं, साधना के स्तर पर प्रस्तुत होते हैं, तो गुरु जरूर जरूर हमें साथ देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है और भाग्य से इस चुनौती का हम अवसर में रूपांतरित जरूर करते हैं। कलाकार के जीवनी में जब ये चुनौतियां आगे बढ़ती है, व्यवहार के रूप में आती है, तो हमें इस व्यवहार रूपी चुनौतियों का स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, भाग्य का साथ लेते हुए और कठिन परिश्रम और दृढ़ विश्वास के साथ इस चुनौतियों का अवसर में रूपांतर कर देते हैं, कर पाते हैं। ये मेरा विश्वास है। आजकल तो आधुनिक स्थिति में देखते हैं, अगर हमें किसी के साथ जुड़ना होगा तो किसी माध्यम का आधार लेना ही पड़ता है। और आज देख रहे हैं, आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया है, इस माध्यम से, इस चुनौती से मैं अवसर प्राप्त कर रहा हूँ और आपके सामने सम्मुख हूँ, जिसे हम ऑनलाइन कह सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने संयमित विश्वास के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ हम हर एक चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज का टॉपिक है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्ट। एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको कैसे बड़ा करें, माँ बाप के लिए एक चैलेंज हो जाता है। बहू जब ससुराल जाती है, उसके लिए भी एक चैलेंज हो जाता है, कैसे पराया घर को अपना कर आगे बढ़ेगी। एक स्टूडेंट जब एक क्लास से दूसरे क्लास को जाता है, उसके लिए भी एक चैलेंज हो जाता है, कैसे वो एग्जाम पास करके वो अपॉर्चुनिटी हासिल करेगी। एक आर्टिस्ट जब एक कैरेक्टर निभाता है, एक रोल प्ले करता है, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, कैसे वो कैरेक्टर को जस्टिफाई करे। एक आर्टिस्ट डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर प्ले करता है और हर रफर को एक चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ जाता है। ऐसे देखा जाए तो जिंदगी में चैलेंज नहीं है तो जीने का मजा नहीं है। इस दुनिया में शायद कोई होगा जो कि विदाउट एनी चैलेंज स्मूथली जिंदगी जीना जी रहा होगा। और आज इस कोरोना सिचुएशन में हर इंसान को एक एक दिन क्रॉस करके आगे जाना एक चैलेंज हो गया है। चैलेंज के साथ टेंशन बढ़ गया है, भय, उदासी, नेगेटिविटी सब कुछ मन में आ जाता है।
चारों तरफ लॉकडाउन शटडाउन, घर में बैठे रहो, घर में बैठ के क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। टीवी खोलो तो कोरोना में इतने मर गए, इतने अफेक्टेड हो गए। मोबाइल खोलो तो भी वही न्यूज। ये सब नेगेटिविटी में मन रह रहे के पूरा आत्मशक्तिहीन हो गया है। क्यों ना हम इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दें? क्यों ना हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें? लेकिन ये सब एक्सेप्ट करना इतना सहज नहीं है बिना स्पिरिचुअल नॉलेज के। 11.5 साल के मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं कहूंगी कि राजयोग मेडिटेशन ही मन को पॉजिटिव करने में हेल्प करता है। सिर्फ जो पर्दे में काम करता है, रोल प्ले करता है, वो कलाकार नहीं है, बल्कि खाना पकाना एक कला है, खेलना एक कला है, अच्छा बोलना भी एक कला है। इसी तरह हर एक्टिविटीज एक एक कला है, बल्कि इस सृष्टि नाटक रंगमंच में हर इंसान एक एक कलाकार है। और आज हम सभी कलाकारों के लिए ये सिचुएशन एक चैलेंज बनकर खड़ा है, और इस चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी समझकर यूटिलाइज कर सकते हैं। आज तक हमारा बिजी लाइफ में हमको टाइम नहीं मिल रहा था अपनों के लिए और अपने के लिए, अभी टाइम मिल रहा है। टाइम को वेस्ट मत कीजिए, जिंदगी को सजाने को टाइम मिल रहा है। मन को शक्तिशाली करें, नेगेटिविटी को पॉजिटिव करें, और चारों तरफ की इस उदासी से अपने आप को बचाएं। ये सब संभव हो सकता है अगर हम राजयोग मेडिटेशन शिक्षा करके, परमपिता परमात्मा से शक्ति ले करके मन को शक्तिशाली करें, तो हर सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। और अभी का चैलेंजिंग टाइम हम सबके लिए जीवन को सुधारने का एक अपॉर्चुनिटी है। फिर जब सिचुएशन स्टेबल होगा, एक शक्तिशाली मन लेकर अपने अपने प्रोफेशन में हम चयन करेंगे। धन्यवाद। अपने महान विचारों से हमें अवगत कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य है कि नॉर्थ मुंबई की जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दिव्या दीदी जी हम सबको स्पेशल ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारे साथ हैं। 42 years, she has devoted every moment to bring spiritual joy and spiritual message to people across the world. She is the vice chairperson of the Transport and Travel Wing. Her keen interest in music helped her to produce more than 250 meditation songs. She has a great experience of serving the artist. Didi ko artist ke jeevan aur unki chunautiyon ka bariki se anubhav hai. आर्टिस्ट के तनाव भरे जीवन में उनकी मनोअवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिव्या दीदी उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से सहयोग देती रही हैं। स्नेह की मूरत और अनुभवों की अनमोल मोती दिव्या दीदी, आइए लाभ लेते हैं दीदी के प्रज्ञा भरे अनुभवों का। ओम शांति। इस विश्व की विशाल स्टेज पर हम सब मनुष्य आत्माएं कलाकार हैं। परमात्मा ने हर आत्मा में कोई न कोई विशेष कला है। ये सबसे बड़े कलाकार परमात्मा ने ये कलाएं हम सब में भरी हैं। अब इस कला में निपुण होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए
हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न के बीच कई प्रकार के उतराव और चढ़ाव आते हैं जिसको हमें क्रॉस करना होता है। और हम सब जानते हैं कि विश्व परिवर्तनशील है, हमारे जीवन भी परिवर्तनशील है, इसलिए जीवन में परिवर्तन तो आना ही है। सदा ही हम ऊपर चढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसा संभव नहीं है। कभी आगे भी बढ़ेंगे, कभी पीछे भी रहेंगे। तो ये परिवर्तन को हमें स्वीकार करना होगा, जैसे दिन और रात, और दोनों अपने आप में एक यूनिक है। ऐसे जीवन के अंदर आने वाले परिवर्तन को भी, उसमें भी यूनिकनेस है, और वो परिवर्तन भी हमें कोई ना कोई प्रकार की प्रेरणा और शिक्षा जरूर देता है। लेकिन उस परिवर्तन को हमें सहर्ष स्वीकार किया और साथ साथ ऐसे समय पर हम डिप्रेशन में ना आ जाएं, अशांत न हो जाएं, परेशान न हो जाएं। कई बार हमारे कई सोच को हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि अभी हम हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उस समय पर हमें आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन का सहारा लेना है। और हम देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये समझ देता है और ये सिखाता है कि लाइफ में अशांति का कारण, दुख का कारण, हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। हर एक की क्षमता अपनी अपनी है, हर एक की तकदीर भी अपनी अपनी है, इसीलिए हर एक को एक समान उपलब्धियां हो, प्राप्तियां हो, ये कोई पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मेरे में जो क्षमता, मेरे में जो कला है, उसमें निखार लाने का मैं प्रयत्न करूं, कंपेयर न करूं। दूसरी बात ये हम याद रखें अपने जीवन में कि कई बार हमारे कला की प्रशंसा भी संसार में बहुत होगी तो कई बार कोई हमारे कार्य की आलोचना भी करेगा। दोनों चीजें जीवन में होने ही वाली है। कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसकी आलोचना हुई ना हो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कहा गया है निंदा स्तुति में हम अपनी मन की स्थिति को एक जैसी रखें, स्टेबल रखें, तो हम कार्य कर सकेंगे। प्रशंसा की हम बहुत खुश हो गए, आलोचना हुई तो हम दुखी हो गए, तो हम कार्य को निरंतर करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसी में हम कितना मन लगा के, दिल लगा के इस कार्य को कर रहे हैं। कई बार हम बहुत अच्छा प्रयत्न के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं। कई बार हम अनसक्सेस हुए तो हमारा मन है वो बेचैन हो जाता है, नकारात्मक सोचने लगता है, वो सोच ही हमें अशांत कर देती है। बात कई बार छोटी होती है लेकिन सोच सोच के उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को हमने बहुत ही बड़ा कर दिया होता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है
कि बड़ी बात को सोच सोच के बड़ा नहीं करो, लेकिन ऐसे समय पर परमात्मा को याद करो, अपने प्रॉब्लम को ईश्वर के सामने रखो, मन को शांत करो और कहो कि अभी इससे बाहर आने के लिए आप मुझे मार्गदर्शन दो। और जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा, एक नई राह, नई सोच हमें मिलेगी और वो प्रॉब्लम, वो समस्या हमें बहुत ही छोटी फील होगी। इसीलिए कहा जाता है कि समस्या को पहाड़ नहीं, हनुमान ने पहाड़ को हाथ में उठा लिया था एक गेंद के समान। इस विद्यालय में भी कहा जाता है कि पहाड़ को राई रुई के जितना हल्का। जब हमारी सोच से हम उसको लाइट कर लेते हैं तो हमारी मन की स्थिति भी लाइट रहती है और हम जो दूसरों से पेश आएंगे, हम दूसरों को भी, भले समस्या के बीच में होंगे लेकिन दूसरों को भी हम लाइट कर सकेंगे। इसीलिए परमात्मा की स्मृति ये हमारे मन को बहुत शक्ति प्रदान करती है। कई बार आप कहेंगे कि हाँ इन बातों को तो हम जानते हैं, लेकिन उसके अप्लाई करने के लिए परमात्मा की याद से हमें वो शक्ति और वो बल हमें मिलता है कि जिससे उसको प्रैक्टिस में, प्रयोग में ले आ सके। और हम अपने जीवन में बहुत सारी कलाएं सीखना चाहते हैं, हर कला में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंत में मैं आपको यही कहूंगी कि ये कलाएं, ये तो कुछ वर्ष चलने वाली है, एक एज होगी ये सारी कलाएं हमारे में नहीं काम आएगी हमारी लाइफ में, लेकिन जीवन जीने की कला ये तो पूरे जीवन में हमें चाहिए। और इसीलिए जीवन को किस प्रकार से हर परिस्थिति कि जो हमारे वश में नहीं है लेकिन हम स्वस्थिति में स्थित रह करके हर परिस्थिति में आनंद में खुशी में रहे, वहां तक कि हमारी मृत्यु भी बहुत ही खुशी से हो। हमारी दादी जी कहती थी कि हमारा डेड बॉडी भी हो ना, वो हमारा चेहरा, वो भी प्रसन्नता और शांति की अनुभूति कराने वाला हो। तो ऐसी मुझे जीवन जीने की कला है, वो सीखनी है। ओम शांति। स्पेशल थैंक्स टू दिव्या दीदी, वी आर इंस्पायर्ड एंड वी एप्रिशिएट योर वर्ड्स ऑफ विजडम। Now, it's a great honor and privilege to introduce our next distinguished guest, Mr. Dilip Pandey. Dilip Pandeyji is a sitting MLA in Delhi Vidhan Sabha from Timarpur Vidhan Sabha constituency, Delhi. Dilipji is a poet and an author by heart also. He has written 4 books. The 5th one is going to be released soon. He is a passionate musician, runs a band called the Fakir Cafe and an NGO, Music for All, that plays live music for the underprivileged. He is a good tabla player, a sportsman and an archer as well. Requesting Dilipji to share his valuable thoughts. नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं दिलीप पांडे, मैं आम आदमी पार्टी से तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ और लिखने पढ़ने के लिहाज से भी इतना ही कह सकता हूँ कि कलम पकड़ना सीख रहा हूँ। कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो गद्य में है और स्वांत सुखाए पद्य भी लिखता हूँ। जो भी अनुभूतियाँ होती हैं उन्हें दर्ज करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय का हार्दिक आभार और हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि
मैं ये जो ई कॉन्फ्रेंस है इसमें अपनी बात रख सकता हूँ, तो मैं हृदय से आभारी हूँ। और विषय बड़ा रोचक लगा तो मैंने हामी भरी कि ठीक है इस पर बात करते हैं। और विषय था कि जो चुनौतियाँ हैं वो साहित्य, कला, भाषा, साहित्य, संगीत, इससे जुड़े हुए लोगों के लिए चुनौतियों की तरह हैं। बिल्कुल सही कहा, ये सलीके से एक पहलू को बयान करता है। मेरी पृष्ठभूमि कोई कलाकार की, लेखक की नहीं रही। मैं सामान्य से एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ। अच्छी चीज ये हुई कि माँ बाप ने तालीम के, एजुकेशन के महत्व को समझा, लिहाजा पेट काट कर पढ़ाना पड़ा तो भी पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया मुझे। और उसी का प्रतिफल है कि मैं आज अपनी बात कह सकता हूँ, अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूँ और अनुभूतियों को दर्ज कर सकता हूँ उसी तालीम की वजह से, उसी शिक्षा की वजह से। इनफैक्ट मैं जिस सरकार का हिस्सा हूँ उस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पीढ़ियों को बदलने के नाम पे, राष्ट्र को सशक्त करने के नाम पे ये है कि सरकार ने दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए। तो जाने अनजाने में मुझे लगता है कलाकार सिखाता है, उसकी इच्छा ना हो तब भी जो कुछ भी वो रचता है, गढ़ता है, इसका सुख तो उसे मिलता है। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख है रचने का, गढ़ने का सुख, इस सुख को वो भोगता है। लेकिन ऐसा करने में वो सिखा भी रहा होता है। आपने एक फिल्म बनाई, आपने गीत लिखा, आपने एक कविता लिखी, वो ऐसे ही नहीं गुजर जाती आंखों के सामने से या जहन से, वो छूती है, आपकी गढ़ी हुई चीज छूती है लोगों को, उनके मर्म को स्पर्श करती है, हल्का करती है, ज्यादा करती है, वो एक बात है। और मैं निजी अनुभव से कह रहा हूं, मैं जब रमाशंकर विद्रोही जी को पढ़ा तो उनकी कविताओं ने, जनकवि थे, अंदर से बहुत आंदोलित किया। उनकी कविता साफ साफ कहती है कि अगर आपको लिखना है तो आपकी कलम का जिम्मेदार होना बड़ा जरूरी है। आप गैर जिम्मेदार होकर लिखते हैं तो अपनी पीढ़ी से आप धोखा करते हैं, वर्तमान पीढ़ी से भी, आगामी पीढ़ी से। बहुत सारे लोगों ने सिखाया रचने गढ़ने के सिलसिले में, अदम गोड़वी साहब ने सिखाया, बाबा नागार्जुन ने सिखाया, रेणु ने सिखाया, परसाई ने सिखाया, कबीर ने सिखाया, बहुत सारे लोगों ने रचने गढ़ने के की प्रक्रिया में सिखाया। ऐसी फिल्में या जो कुछ भी हम देख पाते हैं विजुअल प्लेटफॉर्म्स पे, वो सब अपना असर छोड़ती हैं। इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि जिसको भी ईश्वर के स्नेह आशीर्वाद से, प्रकृति की कृपा से, या जिसे भी वो मानता है, जिसमें भी उसकी आस्था है, उसके आशीर्वाद भाव से अगर वो रचने गढ़ने के काबिल हुआ है तो रचे गढ़े, लेकिन दायित्व बोध के साथ। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि कुछ लिखा जाए, अगर कागज के पन्नों पे कुछ दर्ज किया जाए तो आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद अगर लोग पढ़ें उसे, तो पहला तो ये कि इस दौर को जी सकें और ये महसूस कर सकें कि ये जिसने लिखा है कर्तव्य बोध के साथ कलम पकड़ी है, जिम्मेदारी का एहसास इस कलम को रहा है, और इसको पढ़ के हम समझ पा रहे हैं कि उस दौर की तकलीफें क्या थी, परेशानियां क्या थी, संभावित समाधान क्या थे, भाषा क्या थी, अभिव्यक्ति क्या थी, कैसे जीते, लिखते, कहते, पढ़ते, उठते, बैठते थे लोग। तो इसलिए जो है ना, चुनौतियां अवसर की तरह जो है काम करती हैं कलाकार के लिए, या जो भी रचना धर्मिता से जुड़ा हुआ है उसके लिए। अभी मैं अगर हाल फिलहाल की बात करूं,
बहुत सारे लोग कोविड के दौरान ऐसा लिख रहे थे, ऐसा पढ़ रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि वो जाने अनजाने में हजारों लाखों लोगों को सामने आकर मानवता के नाते एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कईयों का लिखना पढ़ना, कईयों का करना उनका कृत्य। पहली वेव कोविड की आई, बहुत सारे लोगों ने माइग्रेंट वर्कर्स के दर्द को महसूस किया, उसको लिखा और लिखे को पढ़ के बहुत सारे लोग अंदर से भावविह्वल हुए और उन्होंने खुल के, दिल खोल के यथाशक्ति लोगों की मदद करने की कोशिश की, क्योंकि समस्या बड़ी बहुत विकराल थी, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा था, तो किसी एक आदमी के बस का था नहीं, किसी एक सरकार के बस का नहीं था सब कुछ ठीक कर पाना। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि ये चुनौतियाँ जो है अवसर देती हैं, और जिम्मेदारी के साथ लिखने पढ़ने गढ़ने रचने वाले लोग काफ़ी कुछ कर जाते हैं इस चुनौती भरे वातावरण में। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आग्रह तो मैंने कर ही दिया कि लिखा पढ़ा जाए, कुछ गढ़ा जाए तो कर्तव्य का बोध हो उसमें, तो वो एक तरीके से बहुत काम आता है मानव जाति के। मैं भी लिखना पढ़ना सीख ही रहा हूँ, पर अपना लिखा हुआ कुछ आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है मंचों से पढ़ने का, या जो पठन पाठन का सलीका तरीका होता है उसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बट फिर भी जो लिखा है और दायित्व बोध के साथ लिखा है वही मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो माइग्रेंट वर्कर्स की क्राइसिस थी उस पर ही एक लिखा है, मजूर। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ तो मजूर, मजदूर, मजूरी एक से शब्द हैं, तो मजूर मतलब मजदूर समझिएगा उसको, मजदूर समझिएगा। मैं कविता पढ़ना शुरू करता हूँ कि मेरी हड्डियों की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है, मेरी हिम्मत का, मजदूर कह रहा है। मेरी हड्डियों की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है, मेरी हिम्मत का, इन हाथों से धरती का सीना चीर कर हम सोना उगा देते। ये सूखी शाख से दिखते पैर पेट की चीख पर तुम्हारे शहर ले आए, जहां हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखते रहे, जहां हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखते रहे। और वैसे तो मैं कई बार लौटा, वैसे तो मैं कई बार लौटा अपने गांव में, बरगद की छांव में, पर इस बार तुम्हारे शहर ने दिल तोड़ दिया। मैं, मेरी मलकिन, मलकिन यानी धर्मपत्नी को कहते हैं, मैं, मेरी मलकिन, मेरी गुड़िया, सबने तुम्हारा शहर छोड़ दिया। मलकिन झोला टांगे और हम मुरेठा बांधे, मुरेठा मतलब पगड़ी, कहीं पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं, पर चले जा रहे हैं दरबदर काली गरम सड़क पर। मेरी नन्ही के पांव ना जले, मेरी नन्ही के पांव ना जले, इसलिए उठा लिया उसे कंधे पर। और वैसे तो मैं कई बार अपने रुई के फाहे सी फूल परी को कंधे पर उठाया है, वैसे तो मैंने कई बार अपनी रुई के फाहे सी फूल परी को कंधे पर उठाया है, पर इस बार तुम्हारे शहर ने उम्मीद और हौसला तोड़ दिया, और अब सीने में दर्द का जो पर्वत है वो मजूर के पैरों को तोड़ने पर आमादा है। और हम बेवकूफ ये सोच कर आए थे कि तुम्हारे शहर में जानवर कम और मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे शहर में जानवर कम और मोहब्बत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट एंड कल्चर विंग का कि मुझे बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हृदय से आभार। अंतर्मन से धन्यवाद मिस्टर दिलीप पांडे जी का। अब अपना अनुभव साझा करने के लिए रायपुर से भरत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। आप दूरसंचार में लेखाधिकारी के पद में सेवारत हैं और साथ ही साथ आप कवि सम्मेलनों में, दूरदर्शन और आकाशवाणी में काव्य पाठ करते हैं। आइए अब भरत जी का अनुभव सुनते हैं। इससे पहले मैं कुछ कहूं और अपनी प्रस्तुति दूं और अपनी बातें आपके बीच रखूं, मैं ये आपसे ये चीज बांटना चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से या इस संस्था से मेरा परिचय लगभग 3-4 साल पुराना है।
बहुत अधिक समय तो नहीं हुआ, लेकिन जितने समय से भी मैं इनसे जुड़ा हूँ और इनको जितना जान पाया हूँ, मेरी जो कहा जाए कि मेरे जो विचार हैं इस संस्था के प्रति काफ़ी बदले हैं। और शुरू में जब कभी हम अधिकतर जो है आजकल के ज़माने में हमारा जो संपर्क है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो पाता है, वैसे ही एक वीडियो के जरिए मैं शिवानी दीदी से जुड़ा और ब्रह्म कुमारी का परिचय धीरे धीरे मुझे हुआ। जब भी निगेटिव थॉट्स आते थे और जब भी हम अपने अपने नॉर्मल व्यक्तिगत जीवन में भी कभी संघर्ष में होते हैं या व्यावसायिक जीवन में भी संघर्ष पे होते हैं और कई बार ऐसा दौर आता है कि हमें लगता है कि बस बहुत कठिनाई है, ऐसे समय में जब ब्रह्म कुमारी में हम जो यहाँ के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं और उनसे कुछ सकारात्मक सीखने को मिलता है, कुछ सत्य के बारे में सीखने को मिलता है, तो एक अच्छी भावना और एक अच्छी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ईश्वरीय शक्ति हमें मिलती है। तो इस तरीके से इस संस्था से जुड़ाव है। और मजे की बात यह है कि मेरा जब इस संस्था से संपर्क हुआ तो मेरे आसपास के लोगों को भी मैंने ये बताया कि आप इनके चैनल पे जाइए और YouTube वगैरह के माध्यम से इनसे जुड़िए। तो मेरे बाद भी मेरे बहुत सारे मित्रों ने, मेरे परिवार के कुछ लोगों ने इस संस्था से संपर्क बनाए और वो आज तक जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू हैं और वो काम कर रहे हैं और उनके विचार में, उनके जीवन में मैं परिवर्तन देख पाता हूं। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपसे कह रहा था। अब हम आते हैं मुद्दे पर, जो इस ई कॉन्फ्रेंस टॉपिक का एक मुद्दा है कि चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्ट। देखिए, सबसे पहले तो आर्टिस्ट बनना ही अपने आप में एक चैलेंज है। आर्टिस्ट वही बनता है जो समाज का विरोध सह पाता है, जो चीजें नॉर्मल हो रही है, आप आसपास देखते हैं कि जो चीजें जैसे हो रही है, अगर उसको आप ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, अगर ऐसे आप उन्हीं चीजों को उसी चश्मे से देखते हैं जिनसे समाज उन्हें देखता है, जो लोग आज तक देखते हुए आ रहे हैं, तो शायद आप कोई भी कला के क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। साहित्यकार या एक कलाकार जो है वो अपने आईने से, है ना, अपने चश्मे से लोगों को देखता है और उस तरीके से चीजें लिखता है, समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध करता है, कुछ अच्छी बातें लिखता है, कुछ नई चीजें दे के आता है। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज नहीं, ये अपने आप में ही चैलेंज है कि आप आर्टिस्ट होते हैं। अब आर्टिस्ट होने के साथ साथ क्या चैलेंजेस है, आप जितने ही, जैसे मैं तो कविताओं से जुड़ा हुआ हूं, मैं साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, आप जितने भी पुराने कविता लिखने वाले जो लोग थे, साहित्यकार जो लोग थे, उनका जीवन अगर आप पढ़ेंगे, उनकी जीवनी आप देखेंगे, तो उनका जीवन पूरे संघर्षों से ही भरा रहा है। आर्थिक रूप से भी वो बहुत ज्यादा संपन्न ना हो पाए, क्योंकि वो मूल धारा में ना जाकर उन्होंने एक नया क्षेत्र चुना जहां जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से शायद उस समय, आज तो फिर भी ठीक है, आज तो जो साहित्यकार हैं, जो लिखने वाले हैं, वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा नाम वो कमा पा रहे हैं, लेकिन उस समय खासकर से 50-60-70 का जो दौर था, उस समय ना इतने पैसे हुआ करते थे, ना इतना नाम हुआ करता था, लोगों की जिंदगी पूरी कट जाती थी और उन्हें जो है एक रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता था। कई कलाकार, कई साहित्यकार जो है वो मुफलिसी में ही इस दुनिया से चल बसे और उनके नाम, उनकी कृतियां बाद में लोगों के पास आई और लोगों ने उन्हें पहचाना, उन्हें जाना। तो साहित्यकार बनना अपने आप में एक चैलेंज है। साथ ही साथ जब आप, मैं अपना व्यक्तिगत अगर आपको अनुभव बताऊं, तो जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया, जब मैंने प्रारंभ किया, तो लोग जो है वो मुझे उस तरीके से स्वीकार नहीं करते थे। कई जो है वो एक ताने मार देते थे या कहते थे, अरे ये तो क्या प्रेम की कविताएं लिखता है, मैं श्रृंगार का कविता हूं तो प्रेम की कविताएं लिखता हूं, तो ये कहते थे अरे प्रेम की कविता लिखता है, ये लड़का तो थोड़ा सा आशिक मिजाज है और इसके पास कुछ काम धाम नहीं है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, इसलिए ऐसा करते रहते। लेकिन वही 7-8 साल बाद जब लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया, जब मैं मंचों पे गया, कुछ नाम हो गया, लोगों को मेरी कविताएं पसंद आने लगी, तो वही अब इस तरीके से मिलते, नहीं आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, ये काम छोड़िएगा मत, आप नौकरी तो कर ही रहे हैं, ये काम मत छोड़िएगा। तो व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि शुरुआत में आपको लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनने मिलती है जो आपको हो सकता है विचलित कर दे, हो सकता है आपको अपने क्षेत्र से डगमगा दे, लेकिन एक सच्चा साहित्यकार, एक सच्चा कलाकार उसी कठिनाइयों से ताउम्र गुजरता है, आखिरी तक उसे ये सारी बातें कहा जाए कि सहनी पड़ती है, लड़नी पड़ती है, और वही उसका निखार है, वही उसका दर्द है जो साहित्य में आता है, जो पन्नों में आता है, जो कविताओं में आती है, जो गीत में आता है, चाहे कोई भी क्षेत्र के वो कलाकार हों। और कोरोना का टाइम आर्टिस्टों के लिए बहुत कहा जाए कि चैलेंजेस से भरा था, लोग अपने घर बैठे हैं, काम नहीं है बहुत सारे कलाकारों के पास, साहित्यकारों के पास, क्योंकि आयोजन हो नहीं रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंजेस है। लेकिन ये टाइम भी ऐसा है
जैसे मैं इस टाइम को देखता हूँ कि यह अध्ययन का समय है, खासकर कविताओं के क्षेत्र में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आपको अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिला हुआ है, अगर आपके पास रोजगार के ठीक ठाक से साधन हैं तो ये काम है रिसर्च का, ये काम है अन्वेषण का, आप पढ़ सकते हैं, नई चीजें लेकर आ सकते हैं, नए थॉट्स लेकर आ सकते हैं। तो ये वो टाइम था और बस यही बातें हैं कि सब उधड़ी पड़ते सी लेंगे। मेरी एक कविता है, मेरी एक चार लाइन की कविता है, मैं आपको आपके सामने बांटना चाहूंगा कि सब उधड़ी पड़ते सी लेंगे, सब उधड़ी पड़ते सी लेंगे, सब विष सांसों से पी लेंगे, यम भले चुनौती दे पग पग, हर विपदा हर हम जी लेंगे। ये कोरोना का टाइम है, हर विपदा पर, हर आपत्ति पर हम जिएंगे और भावनाएं निकल निकल कर आती रहेंगी। सबने अपने दर्द बयान किए हैं और वो कहते हैं ना कि मन की कुंठाओं ने अपने मौन व्रत जो खोल दिए, हम कुंठा में नहीं रहे। अगर आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं तो यहाँ तो वैसे भी पॉजिटिविटी की एक लहर है, एक वेव्स है, जहाँ पे आप हमेशा अपने आप को निखारते हैं कि मन की कुंठाओं ने अपने मौन व्रत जो खोल दिए, मन की कुंठाओं ने अपने मौन व्रत जो खोल दिए, कृतघ्न चक्षु ने तत्पर ही बिन आज्ञा सब बोल दिए। जब आप ऐसे स्थिति पर होता है तो आपके आपके आंसू जो है अपने आप निकल जाते हैं। तो कुछ मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपसे मैं विदा लेता हूँ। जो मुझे अपनी बात कहनी थी मैं कह चुका हूँ और फिर भी कुछ मुक्तक मैं अपनी विदा से आपके सामने रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तेरा साया जहन में मौत सा खामोश रहता है, गमे तन्हाई में ये दिल सदा मदहोश रहता है। तेरा साया जहन में मौत सा खामोश रहता है, गमे तन्हाई में ये दिल सदा मदहोश रहता है। मैं दुनिया के उजाले में भले ही होश में, लेकिन मैं दुनिया के उजाले में भले हूँ होश में, लेकिन अंधेरे में पड़ा ये मन सदा बेहोश रहता है, अंधेरे में पड़ा ये मन सदा बेहोश रहता है, सदा बेहोश रहता है। एक और मुक्तक सुनिए। कि एक नई आस फिर से जगा लीजिए, हमको दुनिया नई अब बना लीजिए। एक नई आस फिर से जगा लीजिए, आप दुनिया नहीं अब बसा लीजिए। आप जीवन के सारे भरम तोड़ कर, आप जीवन के सारे भरम तोड़ कर हमको अपना मुकद्दर बना लीजिए, हमको अपना मुकद्दर बना लीजिए। एक गीत, उसके बाद मैं आप लोग से विदा लूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत मन से मैंने ये गीत लिखा है और ये इसी लॉकडाउन के टाइम में लिखा है, सुनिएगा। कि तुम बिन हम ऐसे हैं जैसे बादल चंदा के बिन, तुम बिन हम ऐसे हैं जैसे बादल चंदा के बिन, तपती धरती देखे जैसे सावन के दिन गिन गिन, तपती धरती देखे जैसे सावन के दिन गिन गिन, पहली रात अधूरी जैसे हो वधुकी वर के बिन, तुम बिन हम ऐसे हैं जैसे बादल चंदा के बिन, बादल चंदा के बिन। बंद पढ़ता हूं, सुनिए। के इस जीवन का तमस मिटाए तुम वो सूरज जैसे, तुम वो सूरज जैसे। अगले लाइन में मैंने एक महान पात्र को लिख दिया हो, खींच दिया हो, उनका चित्र आपके सामने खींच दिया हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि इस जीवन का तमस मिटाए तुम वो सूरज जैसे, तुम वो सूरज जैसे, त्याग महल वन में बस जाए तुम वो धीरज जैसे, तुम वो धीरज जैसे। मैं तो पागल हूँ जैसे हो जाए रसिक रस के बिन, तुम बिन हम ऐसे हैं जैसे
बादल चंदा के बिन, बादल चंदा के बिन। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए जो मुझे इस संस्था ने दिया। प्रेम दीदी, दयाल भैया जी, कुसुम दीदी जी, आपने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं ताउम्र आपका आभारी रहूंगा। आपने इतने बड़े मंच पर मुझे पढ़ने का मौका दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। ओम शांति, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेनी स्पेशल थैंक्स टू भरत जी। नाउ आई एम प्रोफाउंडली एलेटेड टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस अवर रिनाउंड इंटरनेशनल मीडिया पर्सनालिटी डॉक्टर संदीप मारवा जी फ्रॉम दिल्ली। डॉक्टर संदीप मारवा इज द फर्स्ट पर्सन to have been honored with 700 national and international awards, who holds 7 world records to his name and has also been awarded with 7 doctorates. He is the founder of Noida Film City and Marwa Studios and Asian Academy of Film and Television, now one of the 10 best film schools of the world. He is now the Chancellor of AFT University of Media and Arts and has been appointed as the Chief Scout for India by the President of India. I would like to invite Brother Sandeep Marwaji to share his deep thoughts and valuable experiences during the interview. Om Shanti. संदीप जी, आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। आपको देखकर ही दिल प्रफुल्लित हो गया। और जब हम मिले थे यहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस में, पिछले कॉन्फ्रेंस में हम मिले थे और उसके बाद हम दिल्ली भी आए थे आपके स्टूडियो में, तो क्या बात है, बहुत अच्छा शुभ दिन है आज का। आपका हार्दिक अभिनंदन। कुछ ऐसी बातें हैं ये जो अभी हमारा, हम जब मिल रहे हैं अभी इस खास कारण से कि हमारी फोर्थ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है ये, और क्योंकि अभी सिखा दिया है हमको कोरोना ने, ऑनलाइन भी हम अपने कार्य को एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है इसका टॉपिक हमने ये रखा है कि चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्ट। बहुत बढ़िया सर, ये जो कलाकारों के लिए, हाँ, जो चैलेंजेस है, जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स हमारे आ रहे हैं, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर जीत प्राप्त करने की। तो ये हम लोगों ने टॉपिक इसलिए रखा है। हाँ जी, आपने बहुत सही फरमाया। हाँ, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि प्रेजेंट सीन जो चल रहा है अभी सारे वर्ल्ड के अंदर, वो मुझे इस बात से लगा कि कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, कोई डिप्रेशन वगैरह में जा रहे हैं। तो क्या है, परिस्थितियां तो हमेशा बदलती ही रही है और बदलती ही रहेगी, इसीलिए हम उसको कहते हैं परिस्थिति, है ना, वो स्वस्थिति नहीं है। तो लेकिन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे माइंड को, स्वस्थिति को परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करा सकती है और कराई है लाखों लोगों को, तो वो एक सॉलिड प्रूफ है हमारे पास में। तो आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ये जो आपका नोएडा में जो संस्था है आपकी, तो इसका थोड़ा सा आप शॉर्ट में मुझे परिचय दीजिए और इसमें हम और आगे कैसे उसमें प्रगति कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे आपका एडवाइस चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका जो है जी, आदरणीय बीके दयाल जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे आज याद किया और इस मंच पर बुलाया। ये सवाल मेरे दिल के बहुत नजदीक है। मैंने बचपन में ही एक कविता याद कर ली थी कि आगे कदम आगे कदम आगे कदम, मित्रों धरो बलिदान के पथ पर कदम, पथबंध है पीछे अचल और पीठ पर धक्का प्रबल, मत सोच कर ले फैसला, ले बाहों में उत्साह भर, जीवन समर के सैनिकों, संभव असंभव को करो, कण कण निमंत्रण दे रहा आगे कदम आगे कदम।
बस आप समझिए कि इस कविता ने मेरी जिंदगी का पूरा सार बदल दिया और कई जगह से हताश होकर मैं बहुत सारे काम अलग अलग करना चाहता था। मैंने कारपेट और दरीज का काम, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट शुरू किया, मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, मैंने और भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, लेकिन कहीं भी मेरा दिल नहीं लगा और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो व्यवस्था है वो यहाँ के बजाय कहीं और लिखी हुई है। और क्योंकि मुझे बचपन से, स्कूल और कॉलेज से ही फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर से मैं हमेशा प्रोत्साहित रहा और उसके प्रति मेरा रुझाव रहा, तो मुझे लगा कि इसी कला को ही आगे बढ़ाने का मैं कार्य अगर पकड़ लूं तो शायद उसमें मुझे ज्यादा मजा आएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। 1986 में मैंने नोएडा फिल्म सिटी का नक्शा तैयार किया और उत्तर प्रदेश की सरकार को सबमिट किया। एक साल लगा और 1987 दिसंबर में ये प्रोजेक्ट पास हुआ। 1988 में अलॉटमेंट हुई, 3 साल का वक्त दिया गया और 1991 में हमने उत्तर भारत का पहला स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से शुरू कर दिया और तभी लोगों ने मुझे नोएडा का फाउंडर कहना, नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर कहना शुरू कर दिया। बस वहां से आप सोचिए कि सोच बदल गई, कार्य बदल गए और पहल हो गई और बहुत सारी इज्जत, मान, मर्यादा, शोहरत जो है वो मेरी झोली में आके गिरी। तो मुझे ऐसा लगा कि यहां से मुझे अब ऊपर ही जाना है, आगे ही जाना है, पीछे मुड़ के अब नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि विश्वास था लोगों का मुझ में और लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा उत्तर भारत में भी हो, उत्तर भारत में फिल्म, टीवी, मीडिया जैसी कोई संस्थाएं इतनी बड़ी नहीं थी। और आज ये कहते हुए खुशी होती है कि नोएडा फिल्म सिटी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी है। 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो और 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल जो कि 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं, करीब 17,000 मीडिया प्रोफेशनल यहाँ पर काम कर रहे हैं 8 घंटे की 3 शिफ्टों में और तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का एक हसीन मौका मिला है। जब मैं मारवा स्टूडियो की बात करता हूं तो आज मुझे पूरे 30 साल हो गए हैं मारवा स्टूडियो को चलाते हुए। उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो तैयार हुआ। इस स्टूडियो में से हमने तकरीबन 4,500 टेलीविजन प्रोग्राम, 50 से भी ज्यादा चैनल के लिए, करीब 150 फीचर फिल्मों के साथ हम जुड़े जो 8 से 10 भाषाओं में बनाई गई, करीब 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण हुआ और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3,000 शॉर्ट फिल्म बनाकर अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कायम किया। तो इस तरीके से लोग आगे बढ़ते चले गए और मैं समझता हूं कि अगर आप में जोश है, लगन है, उम्मीद है, जिज्ञासा है, आगे बढ़ने की क्षमता है और ऊपर वाले का साथ है तो आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकता है। और इन तमाम चीजों के साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज है वो है आध्यात्मिकता, जो मैंने ब्रह्म कुमारी से यहाँ सीखी। मुझे सौभाग्य मिला बड़े बड़े गुरुओं के साथ, पीरों के साथ, संतों के साथ बैठने का और उन सब में से सबसे बड़े संत जो थे वो मेरे पिताजी खुद थे। उनकी वाणी में सच था, उनकी सीख, उनकी जिंदगी के तजुर्बों में बहुत कुछ भरा हुआ था। तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जो माँ और बाप की बातों को ध्यान से सुनकर उन पे अगर अमल कर लेता है तो वो जिंदगी में कभी भी मार नहीं खा सकता। जिसको अपने माता पिता का आदर सत्कार है, अपने गुरुओं का आदर सत्कार है, उसके साथ ही परमात्मा का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। ये मैंने बचपन में ही सीख लिया था और शायद यही वजह रही कि आप लोगों के आशीर्वाद से आज तकरीबन 7 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हम लोगों ने बनाए हैं, करीब 800 से भी ज्यादा अवार्ड मैं देश भर और दुनिया भर से देश के लिए लेके आया हूं और करीब 54 देशों की सरकारों ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर या कल्चर रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है। क्या बात है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आपका इतना इंपॉर्टेंट बहुमूल्य समय हमें मिला। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवा जी कि आपकी जो संस्था है AAFT, इसका फुल फॉर्म क्या है? जी
जब हमने देखा कि पूरा हमारे स्टूडियो एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो 1993 में हम लोगों ने एफटी की रचना रची, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। ये भारत का चौथा और प्राइवेट सेक्टर का पहला फिल्म स्कूल था। लोगों ने मुझे तब भी बेवकूफ कहा था कि भाई ये तो सरकारों का काम होता है, दुनिया के हर देश में सरकार जो होती है वो फिल्म स्कूल चलाया करती है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव, इतना लाखों और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है और रिटर्न नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ा और मैंने हिम्मत से काम लिया। मुझे लगा कि फिर से मुझे एक दफा आगे बढ़ के कुछ ना कुछ देश के लिए, दुनिया के लिए और लोगों के लिए करना है, और मैं उसे इस्टेब्लिश कर सका। आज हमें 27 साल हो गए हैं इस पूरी संस्था को चलाते हुए। तकरीबन 19,000 से भी ज्यादा मीडिया प्रोफेशनल हम लोगों ने पूरे 26 प्रदेश और 9 यूनियन टेरिटरी से और 145 मुल्कों से बच्चों को तैयार किया है, जो इस वक्त अपने अपने क्षेत्र में बेखूबी काम कर रहे हैं। और एएफटी जो है वो प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चित और फिल्म सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसके पीछे एक यूनिवर्सिटी का होना अनिवार्य है। तो वो यूनिवर्सिटी का दामोदर, वो कारोबार भी मेरे कंधों पे आके पड़ा और मैंने उसे बड़ी खुशी से निभाया है। आज AAFT यूनिवर्सिटी 25 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में रायपुर के अंदर सुशोभित हो चुकी है और बेहतरीन तरीके से वहां काम कर रही है। अच्छा, तो ये जो अपना नोएडा का है मारवा जी, उसके अंदर आपके कितने डिपार्टमेंट्स है, यानी जैसे आई डोंट नो वेदर आई एम यूजिंग अ करेक्ट वर्ड डिपार्टमेंट, यानी एक्टिंग का एक कोर्स वाला या डायरेक्शन का या म्यूजिक वाला, ऐसे कितने हैं? जी, कुल मिलाकर करीब 14 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और करीब 70 अलग अलग किस्म के कोर्सेज चल रहे हैं। इस वक्त हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ फोटोग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ PR एडवर्टाइजिंग और इवेंट्स, और फैशन एंड टेक्नोलॉजी, फैशन एंड डिजाइन, और उसके बाद एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, बिजनेस मैनेजमेंट, उसके बाद लॉ। जी, इस तरीके से करीब 14 डिपार्टमेंट हैं और सभी डिपार्टमेंट अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से कार्यरत हैं। बहुत अच्छा। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता कि टोटल आपके पास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? जी, अब तक कुल अप्रोक्सीमेटली जी तकरीबन इस वक्त 5,000 स्टूडेंट है जो इन विभिन्न 14 कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहा है अलग अलग सेक्शन में, क्योंकि ग्रेजुएशन भी है 3 साल की अंडर ग्रेजुएट कोर्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है 2 साल का कोर्स, 1 साल का PGDM भी है, और खास तौर जो हमारी शुरुआत हुई थी शॉर्ट टर्म कोर्सेज से, वो भी अभी तक हमारा खूबसूरत तरीके से चल रहा है। बहुत खुशी हुई इतना अच्छा मिलके। मेरी अभी थोड़ी सी लालच बढ़ रही है कि मैं नोएडा आऊं और आपके कुछ डिपार्टमेंट्स को विजिट करूं। और दूसरा एक मेरे से थोड़ा सा ये भी है कि आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चरल विंग जो है पिछले 30 साल से कलाकारों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए कार्य कर रही है, और राजयोग के द्वारा कैसे उनके जीवन में बैलेंस रहे कर्म का और अपनी मेंटल स्थिति का, तो इसके ऊपर मैं सोचता हूँ कुछ अगर आपके कोर्सेज में एक अगर हम इंट्रोड्यूस करें राजयोगा एज अ सब्जेक्ट, तो आपकी क्या राय है? यानी उसमें क्या होगा कि हमारे आर्ट एंड कल्चरल विंग के जो सीनियर फैकल्टीज है वो जाके हफ्ते में एक दिन या ऐसे कुछ हम टाइम टेबल बनाना चाहते हैं कि वो ये विषय के ऊपर राजयोग मेडिटेशन के ऊपर उनको कराया जाए प्रैक्टिकली और उनको अनुभव कराया जाए व्हाट इज रियल पीस। ये सुझाव आपका बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी अपने करिकुलम में ऐड कर चुके हैं,
हमें फिर भी आपकी सहायता की मदद की जरूरत पड़ेगी। और हमारे संस्था है वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हम वो सब तमाम चीज़ों का में भाग लेते हैं जो शांति की ओर ले जाती हैं। और इसी तरीके से हम लोग, हमारे पास एक बहुत बड़ी संस्था है पृथ्वी योगा सेंटर, जहां से हम पिछले 27 सालों से योगा करा रहे हैं। और हमने तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को, जो 100 से भी ज़्यादा लोगों देशों से हमारे पास लोग आए हैं, उन्हें योगा सिखाई है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई हैं वो हमारे करिकुलम का हिस्सा बन चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बाकी संस्थानों से ज़्यादा तेजस्व, ज़्यादा चतुर और ज़्यादा होशियार निकलते हैं, क्योंकि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम के साथ जो स्पिरिचुअलिटी का जो टच जाता है। और यही वजह है कि जो हिंदुस्तानी संस्कार हमारे बच्चों के अंदर आपको नजर आएंगे वो शायद आज कम संस्थानों के बच्चों में नजर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए धीरे धीरे। हमारा एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि हमारे खुद के 2 रेडियो स्टेशन और 1 टेलीविजन स्टेशन इस वक्त चल रहा है, रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर और MSTV। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे रेडियो पे रोज सुबह आधे घंटे का प्रोग्राम ब्रह्म कुमारीज के रेडियो स्टेशन से जुड़ता है और जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और आधा घंटा हम लोग सारी बातें कहते हैं जो आपके रेडियो स्टेशन पे कही जाती हैं। और बड़ा गहरा समय बात है, चलो आगे चल के थोड़ा सा हम और डीप करेंगे इस रिलेशन को। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह आगे भी हम क्वाइट रेगुलरली मिलते रहेंगे और डेवलपमेंट करते रहेंगे। थैंक यू जाल साहब, थैंक यू वेरी मच, चर्चा करके बहुत आनंद आया। इतना ही कहना चाहते हैं, सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हे परमात्मा हमें अच्छी भावनाएं दे, अच्छी सोच विचार धारा दे, ताकि हम अच्छे कार्य कर सकें और अच्छे कार्य से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकें, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संदीप मारवा जी फॉर योर इनसाइटफुल थॉट्स। नाउ वी विल लिसन टू द व्यूज फ्रॉम सिस्टर अरुणा सिंघल एंड ब्रदर संदीप सोपारकर। अरुणा जी is a veteran theater, TV and film actress. She has acted in over 50 TV serials like Bunyad, Chanakya, The Great Maratha, The Sword of Tipu Sultan and many more. Her most famous role is that of Pooja Aunty in the blockbuster TV serial Hum Panch. Next speaker, Mr. Sandeep Soparkar, is an Indian Latin ballroom dancer, Bollywood choreographer, actor, columnist, radio jockey, and a TEDx speaker. He has been honored with 3 National Excellence Awards and 1 National Achievement Award by the Government of India. He is the founder of India Dance Week, and he is also a chairperson of the India Fine Art Council and extensively promotes artists from all fields. Now requesting Arunaji and Sandeep ji to express their deep thoughts about the subject. मैं आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, हमारा जीवन बहुत सुखमय बीत रहा था, बहुत शांति से बीत रहा था, पर अचानक हमारी जिंदगी में ये कोरोना नाम का एक काल आ गया। कोरोना के आने के बाद से हमारी जिंदगी जैसे उथल पुथल सी हो गई, मतलब कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हमारे साथ क्या हो गया। कोरोना आने के बाद हमें 2 शब्दों का अर्थ पता चला, एक था क्वारंटाइन और दूसरा था लॉकडाउन। माय गॉड, ये लॉकडाउन शब्द जो है ना हमारे कानों में तीर की तरह चुभने लगा है। अब तो 2 साल लगभग होने आए। अब मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस कोरोना काल से मुक्ति दे दे और हमसे जो भी गुनाह हुए हैं या अनजाने में या
जानते हुए हमने जो भी भूल की है उसके लिए हमें क्षमा करें और अब हमें इस कोरोना काल से मुक्ति दे दें और हमारा पहले वाला जीवन हमें वापस कर दें। कोरोना के आने के बाद से हमें पता चला कि जो जीवन हम जी रहे थे उसकी जो इम्पॉर्टेंस थी वो क्या थी। कोरोना काल में आने के बाद हमें ये पता चला कि ओ गॉड, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हम घरों में लॉकडाउन हो गए, हमने घर के हर काम किए। पहले हमें लगता था कि भाई हम ये कुकिंग नहीं कर पाएंगे, हम बर्तन नहीं मांज पाएंगे, हम तो झाड़ू कटका नहीं कर पाएंगे, पर हमने सब आसानी से किया। मैं एक ही बात सोच रही थी कि कोरोना के आने के बाद से लोग कहते हैं ना कि हर काम में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो कोरोना के आने से क्या अच्छाई थी? मगर उसमें भी मैंने एक अच्छाई ढूंढी। उसमें मैंने ये पाया कि कोरोना काल में घरों में सब बंद रहने के कारण एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। जो सालों से हम एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाए थे वो हमने बिताया, क्योंकि पहले हम अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे, घर में आते थे और तुरंत अपने कमरे में चले जाते थे। पर घरों में हम रहे तो हमने जाना कि सबका आपस में प्यार कितना ज़्यादा है और खुशियाँ कैसे बांटी जाती हैं। तो हमने कोरोना काल में ये सीखा और आप इस वाले काल में अगर कुछ करना चाहें तो आप बेशक कर सकते हैं। जैसे मैंने भी एक APL नाम की अपनी कंसर्न बनाई, जैसे मैं रिव्यू करती हूँ और क्रिकेट के बारे में बातें करती हूँ, तो इससे मुझे इतने लाइक्स मिलते हैं, लोग इतना प्यार देते हैं कि आप पूछिए मत। आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। आप कभी कभी इतने व्यस्त रहते थे अपने कामों में कि आपकी जो ख्वाहिशात थी वो आप पूरी नहीं कर पाते थे। किसी को गाने का बहुत शौक था, किसी को म्यूजिक का बहुत शौक था, किसी को राइटिंग का बहुत शौक था, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता था। लेकिन कोरोना काल में आपके पास टाइम ही टाइम था और आप उसे सदुपयोग में लाएं। आपको अगर लिखने का शौक है तो आप लिख डालें, क्या पता आप अचानक कोई बहुत ही सुंदर नॉवेल लिख पाएंगे। आप अपने म्यूजिक ट्यून्स बनाएं, आपको गाने का शौक है तो गाएं, क्या पता कि अच्छा गायक बनने की राह आपका रास्ता देख रही हो। तो आप इस तरह अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढें, एकदम से नेगेटिव मत हो जाए। मैं जानती हूँ कि ये कोरोना काल का समय बहुत ही मुश्किल है और बहुत मुश्किलों से हम इसे काट रहे हैं, मगर आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे तो ये समय बहुत जल्द कट जाएगा। और अब यूँ सोचिए कि लगभग कटने को ही है। कोरोना काल में जितना हो सके आप फ़ोन पे लोगों से प्यार भरी बातें करें, कुछ ऐसे नंबर्स भी मिलाएं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, शायद उनको आपकी बातें पसंद आएं और उनको शांति मिले। क्योंकि मदद करना सिर्फ पैसों से ही नहीं होती है, आप किसी से प्यार भरी बातें भी करके कर सकते हैं। तो मैं बस परमात्मा से यही विनती करूँगी कि हमारे गुनाह माफ़ करें। कोरोना काल ने हमें समझा दिया है कि भाई जमीन पे रहो, अपने पांव जमीन पे रखो, आसमान में उड़ने की कोशिश मत करो, और आप इंसान हो, इंसान बन के रहो, आप खुदा नहीं हो। तो भाई हमें ये बात समझ आ गई, हे परमात्मा हम सबका सुख सोचे और हमें इस कोरोना काल से मुक्ति दे। मैं दयाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रख पाऊँ। और वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर से ब्रह्म कुमारी में इकट्ठे होंगे और प्यार से उत्सव मनाएंगे, वैसे ही हंसेंगे, वैसे ही खेलेंगे और खूब कहे कहे लगाएंगे। सो आप पॉजिटिव रहिए, आप सारी बातों का पालन करें, वैक्सीन लेने का जो वक्त आपको आपके पास आया है उसे ज़रूर लें, आप अफवाहें ना सुने और प्यार बांटें, प्यार भरी बातें करें। तो कोरोना काल तो क्या, कैसा भी काल क्यों ना हो, वो उस पर आप अपनी विजय पालेंगे। सो बस इतना ही, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप सोपारकर और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एनकरेजमेंट एंड दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय वर्क टू ऑल ऑफ यू। वेल, आई एम अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर फ्रॉम इंडिया। दिस पेंडेमिक हैज टॉट अस सो मेनी थिंग्स। इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि किस तरह से हम लोग सब एक साथ जुड़ करके हमें रहना चाहिए, और फैमिली जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइव्स। समय ऐसा आ गया है कि हमें
बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, द ओनली ऑप्शन वी हैव इज टू बी एट होम विद आवर लव्ड वंस, तो प्लीज मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा, चेरिश दीज मोमेंट्स, एंजॉय देम बिकॉज वी नेवर नो व्हेन दे विल कम बैक अगेन, लाइफ इज शॉर्ट. एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज दैट डांस, माय फील्ड ऑफ डांस इज अ प्रोटेक्शन फॉर मी. इट्स लाइक द कर्ण का सुनहरा कवच, इट्स लाइक लक्ष्मण रेखा. जब तक सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर थी तब तक सुरक्षित थी, जब तक कर्ण के पास में कवच था सुरक्षित था. सेम वे अगर आप लोग डांस को अपनाते हैं, आर्ट कल्चर को अपनाते हैं, अपने पास रखते हैं, जोड़कर रखते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं हमेशा, चाहे किसी भी तरीके का वो डांस क्यों ना हो, किसी भी तरीके का आर्ट क्यों ना हो, अगर आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए तो दैट बिकम्स लाइक द कवच, इट्स लाइक द ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ विच विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस. So I request all of you, I humble request that please use art as a medium of protection to keep yourself happy, keep yourself healthy, keep yourself protected from different negativities of life. And especially now, इस coronavirus महामारी के समय इतनी negativities बढ़ गई हैं कि अगर हम art को अपनाते हैं it will always keep us positive. मैं ये dance present कर रहा हूँ आपको, dancing with Sheila Tiruchi. It's a Bollywood song, but I am dancing a very beautiful Cuban dance of love called the rumba, because this is the time to spread love and to spread togetherness with all of us. Thank you so much once again for making me a part of this show. All the very best to all of you. Please stay home and please stay safe. Thank you. Thanks a lot, Arunaji and Sandeepji, for your wonderful experience and a beautiful insight, which says practicing dance, art, culture protects you against negativity in these days of pandemic. Now it's time we thank you all, our honorable speakers of today's session, and to all our viewers. We shall be meeting again tomorrow in the morning session of this e-conference at 11 a.m. So be right back. Aapne aaj ka session enjoy bhi kiya hoga aur kai inspirations bhi liye honge. कल हम फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और एक नए उमंग के साथ. मैं आपसे लेती हूँ इजाजत और भगवान करे आपकी हिफाजत. नमस्ते, ओम शांति. जब हर दिशा नजर आए अंधकार, जब आशाएं हो जाएं तार तार, जब जिंदगी ढूंढ रही हो आधार, तब चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार. ब्रह्मा कुमारीज आर्ट एंड कल्चरल विंग लाए हैं 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस, चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार. चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार 14 अगस्त सुबह 10 से 12 बजे और शाम 5:30 से 7:30 बजे और 15 अगस्त सुबह 11 से 1 बजे अवेकनिंग टीवी चैनल पर टाटा स्काई 1084.
जियो टीवी 1060 और ब्रह्मा कुमारीज यूट्यूब चैनल पर। भारत विश्व गौरव है, पावन तीर्थ ये वसुंधरा, अद्भुत सुंदर प्रकृति इसकी, प्रेम बांटे रंग हरा। स्वर्ग की संकल्पना होती यहां